अस्सलाम वालेकुम। स्पैनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो जो कि 1000 स्पैनिश अल्फाज पे मुश्तमिल है, जिसमें आप इन 1000 अल्फाज की प्रोनंसिएशन सीखेंगे और साथ साथ में उनके उर्दू में मायने भी। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। जैसा कि ग्रामर की अगर आप सिर्फ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपने एंटर होना है। अगर आप सिर्फ जुमलों की वीडियोस देखना चाहते हैं, जितने भी जुमलों की सेंटेंसेस की वीडियो है, तो आपको ये प्लेलिस्ट चूज करनी होगी। अगर टेंसेस वर्ब्स की वीडियो आप सीखना चाहते हैं तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप मुकम्मल कोर्स की तरतीब के साथ वीडियोज देखना चाहते हैं तो ये स्पैनिश कोर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अभी तक 118 वीडियोज हैं, तो इसको आप तरतीब के साथ देख सकते हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पेनिश बेहतर कर सकेंगे। तो आइए आगाज करते हैं अब 1000 अल्फाज का। इसके साथ वीडियो का मकसद एक तो हम अपनी वोकैबुलरी जो है ना वो बढ़ा सकें, दूसरा ये कि अपनी प्रोनाउंसिएशन अपनी जो है ना हमने ठीक करनी है हर लफ्ज को, क्योंकि मैं हर लफ्ज को दो दफा बोलता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि इसको कहते क्या है, आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि ये जो अल्फाज है इनको मैं किस तरह से ले रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एस्कुचार, एस्कुचार कहते हैं सुनना, एस्कुचार। प्लांचार, इस्त्री करना, प्लांचार। प्लानियार, मंसूबा बनाना, प्लानियार। पिंतार, रंग करना, पिंतार। मेंतीर, झूठ बोलना, मेंतीर। खुगार, खेलना, खुगार। लेर, पढ़ना, लेर। यहाँ पे डबल ई है इसलिए इसको लेर नहीं बोलना, इसको बोलना है लेर। कोर्रेर, दौड़ना, कोर्रेर। काम्बियार, तब्दील करना, काम्बियार। कांतार, गाना, कांतार। ग्रीतार, चीखना, ग्रीतार। कॉम्प्रार, खरीदना, कॉम्प्रार। कांतार, गाना, कांतार। दोर्मीर, सोना, दोर्मीर। रेसोल्वेर, हल करना, सॉल्व करना, रेसोल्वेर। एस्तोर्नुदार, छींकना, एस्तोर्नुदार। एस्तोर्नुदार, एस्तोर्नुदार। एस्टुडियार, पढ़ाई करना। एनसेन्यार, सिखाना, पढ़ाना, एनसेन्यार। आप्रेंदेर, सीखना, आप्रेंदेर। तोकार, छूना, टच करना, तोकार। खीरार, मुड़ना, खीरार। अंदार, पैदल चलना, अंदार। गनार, जीतना, गनार। सिलबार, सीटी बजाना, सिलबार। एस्क्रिबीर, लिखना, एस्क्रिबीर। लेर, पढ़ना, लेर। फेर्रार, बंद करना, फेर्रार। यहाँ पे आपने देखना है कि सी के बाद ई है इसलिए ये से, से की आवाज है, फेर्रार। आबरीर, खोलना, आबरीर। कोमेर, खाना, कोमेर। बेबेर, पीना, बेबेर। कोसिनार, पकाना, कोसिनार। एस्पेरार, इंतजार करना, एस्पेरार। लिम्पियार, साफ करना, लिम्पियार। लावार, धोना, लावार। सुबीर, ऊपर चढ़ना, सुबीर। बाहार, नीचे उतरना, बाहार। अबलार, बोलना,
Hablar, escuchar, सुनना, escuchar, soñar, ख्वाब देखना, soñar, gatear, रिंगना, gatear, cavar, खोदना, cavar, ये V की आवाज जो है ना ये B में आएगी, B, cavar, खोदना, अप्लाउदीर, ताली बजाना, अप्लाउदीर, तेखेर, बुनना, तेखेर, कोसेर, सिलाई करना, कोसेर, ओलेर, सूंघना, ओलेर, बेसार, बोसा लेना, बेसार, अब्रासार, गले मिलना या गले लगाना, अब्रासार, रोंकार, खराटे लेना, रोंकार, दुचार से नहाना, दुचार से, इंक्लिनार से झुकना, इंक्लिनार से, बुफेयार, गोता लगाना, बुफेयार, रेसबालार से फिसलना, रेसबालार से फिसलना, अपीलार, ढेर लगाना, अपीलार, कॉम्प्रार, खरीदना, कॉम्प्रार, बेंदेर, बेचना, बेंदेर, अखितार, हिलाना, अखितार, रेस्पोंडेर, जवाब देना, रेस्पोंडेर, प्रेगुंतार, पूछना, सवाल करना, प्रेगुंतार, असेप्तार, मान लेना, असेप्तार, आउटोरिजार, इजाजत देना, अउतोरिजार, रोम्पेर, तोड़ना, रोम्पेर, ऑर्गेनाइजार, तरतीब देना, ऑर्गेनाइजार, अरेग्लार से तैयार होना, अरेग्लार से तैयार होना, कंस्ट्रुइर, बनाना, कंस्ट्रुइर, रेइर, हंसना, रेइर, योरार, रोना, योरार, कोलोरियार, रंग करना, कोलोरियार, एंट्रेनार, कोचिंग करना, एंट्रेनार, क्रेयार, बनाना, क्रेयार, तोसेर, खांसना, तोसेर, योरार, रोना, योरार, कॉम्प्लेटार, मुकम्मल करना, कॉम्प्लेटार, बाइलार, रक्स करना, बाइलार, डेस्क्रिबिर, बयान करना, डेस्क्रिबिर, एडिटार, तरमीम करना, एडिटार, कोमेर, खाना, कोमेर, बेबेर, पीना, बेबेर, एंट्रार, दाखिल होना, एंट्रार, सालीर, बाहर निकलना, सालीर, इमितार, नकल करना, इमितार, इम्बेंतार, इजाद करना, इम्बेंतार, सेनार, डिनर करना, रात का खाना, सेनार, त्राबाखार, काम करना, त्राबाखार, देस्कांसार, आराम करना, देस्कांसार, सेलेब्रार, जश्न मनाना, सेलेब्रार, मीरार, देखना, मीरार, एम्पेसार, शुरू करना, एम्पेसार, टर्मिनार, खत्म करना, टर्मिनार, उसार, इस्तेमाल करना, उसार,
enviar, भेजना, enviar, recibir, वसूल करना, recibir, llamar, फोन करना, llamar, pasear, चहलकदमी करना, pasear, cobrar, पैसे वसूल करना, cobrar, pagar, अदायगी करना, pagar, solicitar, दरख्वास्त करना, solicitar, entrenar, ट्रेनिंग करना, entrenar, participar, हिस्सा लेना, participar, contar, गिनना, grande, grande कहते हैं बड़ा, mi casa es más grande que la tuya, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, pequeño, छोटा, el perro de Juan es más pequeño que el mío, Juan का जो कुत्ता है वो मेरे कुत्ते से छोटा है, fácil, आसान, estos ejercicios son muy fáciles, ये जो एक्सरसाइज हैं ये बहुत ही आसान है, difícil, मुश्किल, este juego es muy difícil de terminar, ये जो गेम है ये बहुत मुश्किल है खत्म करना, alto, ऊंचा, el pico más alto de España es el Teide, स्पेन की सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंची पीक जो है ना वो एल टेइडे है, बाहो, छोटा, tu hermano es más bajo que yo, तुम्हारा भाई जो है मुझसे छोटा है, यहाँ पे हम कद की बात कर रहे हैं, रिको, अमीर, मी अमिगो es muy rico, tiene cinco coches, मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसके पास पांच गाड़ियां हैं, पोब्रे, गरीब, a mí me gusta ayudar a los pobres, मुझे पसंद है गरीबों की मदद करना, a mí me gusta ayudar a los pobres, delicioso, मजेदार, este plato es muy delicioso, ये जो डिश है ये बहुत ही मजेदार है, aburrido, boring, estar solo en casa es muy aburrido, घर में अकेले रहना बहुत ही बोरिंग है, inteligente, समझदार, पाब्लो es el alumno más inteligente de mi clase, पाब्लो मेरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का या स्टूडेंट है, तोंतो, बेवकूफ, मी अमिगो नो एस तोंतो पेरो हाब्ला मुचो, मेरा दोस्त बेवकूफ नहीं है लेकिन बोलता बहुत है, नुएवो, नया, लोग्रोन्यो तीने उन नुएवो पार्के, लोग्रोन्यो में एक नया पार्क है, viejo, बूढ़ा या पुराना, yo tengo un coche muy viejo, मेरे पास एक बहुत ही पुरानी गाड़ी है, abierto, खुला हुआ, el restaurante está abierto hasta las 4, रेस्टोरेंट 4 बजे तक खुला होता है या खुलता है, cerrado, बंद, mi colegio está cerrado hasta septiembre, मेरा स्कूल बंद है सितंबर तक, फ्रियो, ठंडा, नो मे गुस्टा काफे फ्रियो, मुझे ठंडी कॉफी पसंद नहीं है, कालियेंते, गर्म, मैं दूचो कोने लागवा कालियेंते, मैं गर्म पानी से नहाता हूं, कारो, महंगा, एल मोबिल दे पेड्रो एस मुई कारो, पेड्रो का मोबाइल बहुत ही महंगा है, बारातो, सस्ता, Estoy buscando un coche barato. मैं ढूंढ रहा हूं एक सस्ती गाड़ी. Rápido, तेज. Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo. Usain Bolt दुनिया का सबसे तेज तरीन इंसान है. Lento, सुस्त. La tortuga es un animal lento. कछुआ एक सुस्त जानवर है. Cansado, थका हुआ. Estoy muy cansado. Quiero dormir. मैं बहुत थका हुआ हूं. मैं सोना चाहता हूं. Dormido. सोया हुआ. Mi abuelo está dormido. मेरा
Abuelo जो है मेरा जो दादा है या नाना है वो सो रहा है. Despierto जागा हुआ. Todo el mundo estaba despierto. तकरीबन सारे लोग जो है ना वो जाग रहे थे. पास्ट की बात हो रही. Loco पागल. Todos piensan que soy loco. Todos piensa, यहाँ पे piensa लिखा हुआ है, एंड पे एक एन आपने ऐड कर लेना है. Todos piensan, क्योंकि यहाँ पे हमने एल नहीं लिखा, एयोस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जो है ना वो गलती है, आपने यहाँ पे इसको दुरुस्त कर लेना है. Todos piensan, सब समझते हैं या सोचते हैं कि सोई लोको, के मैं पागल हूं. फुर्ते मजबूत. तू एरेस मस फुर्ते के यो, तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो या मजबूत. डेविल कमजोर. यो सोई मस डेविल के तू हरमानो, मैं तुम्हारे जो तुम्हारा जो भाई है उससे ज्यादा कमजोर हूं या उससे कमजोर हूं. एन्फेर्मो बीमार. मी अमिगो एस्टाबा एन्फेर्मो, मेरा दोस्त बीमार था, पेरो आहोरा एस्टा मेजोर, लेकिन अब वो बेहतर है. एस्टाबा पहले था, आहोरा अभी. सानो सेहतमंद. मी प्रोफेसर एस मुई सानो, मेरा टीचर बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ज्यादा खेलता है, एक्सरसाइज करता सिंपले आसान. सिंपल. एस्टे प्रोसेसो एस मुई सिंपलो, मुई सिंपले, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. कॉम्प्लिकाडो मुश्किल. मैथमेटिकास एस ला असिग्नातुरा मुई कॉम्प्लिकाडा, मैथमेटिकास जो मैथ है ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है. बुएनो अच्छा. कॉरेर एस बुएनो पारा ला सालूद, कॉरेर दौड़ना इस बुएनो पारा ला सलूद, सेहत के लिए अच्छा है. मालो बुरा. फुमार इस मालो पारा ला सलूद, सिगरेट नोशी करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बुरा है. दुल्से मीठा. एस्टे मांगो इस मुई दुल्से, ये जो मैंगो है, ये जो आम है, ये बहुत ही मीठा है. सलादो नमकीन. El agua del mar es muy salada. समंदर का पानी बहुत ज्यादा नमकीन है. Amargo, कड़वा. El que es feliz hace felices a los demás. Amargo का यहाँ पे जुमला नहीं है, ये किसी और चीज की कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो गई है, यहाँ से सॉरी, इसको आप नहीं पढ़िएगा. मोहादो गीला. Mi camiseta está mojada. मेरी जो जो शर्ट है वो, टी शर्ट है वो गीली हुई है या गीली है. सेको खुश्क. नेसेसिटो उन लुगार सेको पारा ट्रबाजार, मुझे काम करने के लिए एक खुश्क जगह की जरूरत है. नेसेसिटो उन लुगार सेको पारा ट्रबाजार. येनो मुकम्मल या भरा हुआ. एल एस्टाडियो एस्टा येनो दे स्पेक्टाडोरेस, जो स्टेडियम है वो भरा हुआ है फैंस के साथ. वासियो खाली. एल कंटेनर एस्टा वासियो, ये जो कंटेनर है ये खाली है. लिम्पियो साफ. एल ऑर्डेनादोर टीने के एस्टार लिम्पियो पारा पोदेर ट्राबाजार, कंप्यूटर साफ होना चाहिए काम करने के लिए. सुसियो गंदा. सी तू कोच एस्टा सुसियो, अगर तुम्हारी गाड़ी गंदी है, नो वोई अब यहाँ कुंती को, मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करूंगा. सी तू कोचे इस्ता सुसियो, नो वोई अब यहाँ कुंती. गोर्दो मोटा. उन जुगादोर दे रियल मैड्रिड इस्ता मुई गोर्दो, रियल मैड्रिड का एक प्लेयर बहुत ज्यादा मोटा है. डेलगाडो पतला. मी अमिगो नो पेसा मुचो, मेरे दोस्त का वजन इतना ज्यादा नहीं है. Está muy delgado, वो बहुत पतला है. Largo, लंबा. El puente de piedra de mi ciudad es muy largo. ये जो puente de piedra है मेरे शहर का, ये बहुत ही लंबा है. Corto, छोटा. Este pantalón me queda corto. ये जो पैंट है ये मुझे छोटी है. Ligero, हल्का. Esta caja es fácil de levantar. ये जो डिब्बा है ये उठाना आसान है. Es muy ligero, ये बहुत हल्का है. पेसादो वजनी.
Esta máquina es muy pesada y ella machine es muy pesada. Pesa unos 400 kilogramos y es que aproximadamente 400 kilogramos. Visible, yo deja ya sé que las estrellas solo son visibles por las noches. Yo stars hay y yo tare y es solo rat o deje ya sé que las estrellas solo son visibles por las noches. Invisible, yo dejai nadie. Mi equipo es invisible. Mary Team, dejai nahi de ti. Nunca vas a saber quiénes son. Tú me kabhi bhi ye nahi malum hoga ke wo kon hai. Mi equipo es invisible. Nunca vas a saber quiénes son. Oscuro, gera. No me gustan los colores oscuros. Mujhe ye jo gehre rang hain wo pasand nahi. Claro, halka. Azul claro es mi color favorito. Halka, blue rang, mera favorite color hai. Amable, acha. Mi vecino es una persona muy amable. Mera jo vecino hai, mera jo padosi hai, ye bohot hi acha insaan hai. Contento, khush. Estoy muy contento de verte aquí. Main bahut zyada khush hoon tumhe yahan dekhkar. Enojado, gusse mein. Mi jefe está muy enojado. Mera boss bahut gusse mein hai. Porque he llegado tarde, aunque me late ponchado. Mi jefe está muy enojado porque he llegado tarde. Útil, mufid. Spanistan siempre ofrece información útil. Spanistan hamesha mufid information share karta hai. Inútil, bekar. Discutir contigo es inútil. Tumhare saath डिस्कस करना या तुम्हारे साथ बहस करना बिल्कुल ही बेकार है। पेरेसोसो सुस्त। मिन कंपाइनरो एस मुई पेरेसोसो। मेरा जो साथी है वो बहुत ही सुस्त है। जेनेरोसो सही। सुल्तान अलाउद्दीन एस उन रे मुई जेनेरोसो। या क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, यहाँ पे हम इसके बजाय एरा लिख देंगे। सुल्तान अलाउद्दीन एरा उन रे मुई जेनेरोसो। सुल्तान अलाउद्दीन एक बहुत ही सखी बादशाह था। तकान्यो कंजूस। कार्लोस नो किरे गास्तार दिनेरो एन नादा। एस मुई तकान्यो। कार्लोस किसी चीज पे भी पैसे खर्च करना नहीं चाहता। ये बहुत ही कंजूस है। कार्लोस नो किरे गास्तार दिनेरो एन नादा। Es muy tacaño. Conocido, janne wala. No todos los conocidos son amigos. Sare ya sab log jin ko hum jante hain, wo humare dost nahi hote. Desconocido, ajnabi. Ayer éramos desconocidos y hoy amigos. Kal hum ek dusre ke liye ajnabi the aur aaj hum dost hain. Ayer éramos desconocidos y hoy somos amigos. Extraño, yevi ajnabi. Me siento extraño en tu ciudad. Main apne aap ko ajnabi mehsoos kar raha hoon tumhare shehar mein. Me siento extraño en tu ciudad. Agresivo, jarhana. Un fast bowler debe ser agresivo, dijo Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar ne kaha ki ek fast bowler ko jarhana hona chahiye. Tranquilo, pursukoon. Mi padre es una de las personas más tranquilas que he visto. Mera baap purskun logon mein se ek hai. Mi padre es una de las personas más tranquilas que he visto. Trabajo se hum murad hai kaam. Iske alawa empleo, empleo bhi hum use kar sakte hain, jaisa ki humne trabajo ko use kiya, lekin iska agar hum lafzi maayne pe jaye to wo banta hai rozgar. Ocupación, ye bhi kaam ya mulazmat. ये लफ्ज ज्यादातर जब हम कोई भी फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे त्रबाहो नहीं होता, ओकुपासियन होता है। मतलब इस वक्त आपकी ओकुपासियन क्या है, मतलब आप कौन सी मुलाजमत करते हैं या किस काम पे हैं आप। तो ये ज्यादातर जो है ना वो लिखने में या फॉर्म्स फिल करने में आता है, बोलने में ज्यादातर होता है एम्प्लेओ और त्रबाहो। टेली त्रबाहो कोरोना वायरस के बाद ये बहुत आम जो है ना लफ्ज हो गया था।
ये होता है घर में बैठ कर जो काम किया जाता है, ऑनलाइन जो काम किया जाता है उसको कहते हैं टेले ट्रावाहो। ट्रावाहादोर कहते हैं काम करने वाले को, वर्कर को। एम्प्लेयादो ये भी कहते हैं काम करने वाले को या वर्कर को। टेम्पोरेरो ये भी एक ट्रावाहादोर होता है, एक वर्कर होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन ये स्पेशल तौर पे या इनकी जो समझ लें जो ये काम करते हैं ये सीजन के सीजन होता है। मिसाल के तौर पे हमारे नारियोखा में जब अंगूर काटने का सीजन आता है तो बहुत सारे जो ट्रावाहादोरस हैं, वर्कर्स हैं, वो बाहर से आते हैं, तो उनको कहते हैं टेम्पोरेरोस, जो कि सीजन सीजन पे सीजन जो है ना वो काम करते हैं। यहाँ पे जो अंगूर का सीजन होगा उसके बाद वालेंसिया चले जाएंगे, जो भी उनका जो सीजन होगा, जो सीजन के सीजन काम करते हैं उनको कहते हैं टेम्पोरेरोस। एम्प्लेयादोर, अगर एम्प्लेयो काम होता है, एम्प्लेयादो काम करने वाला होता है, तो एम्प्लेयादोर होता है काम पे रखने वाला, बॉस, मालिक। खेफे ये भी काम पे रखने वाला, बॉस या मालिक। एम्प्रेसा कहते हैं कंपनी को। देस एम्प्लेयादो जो बंदा काम ना कर रहा हो, देस एम्प्लेयादो मतलब काम नहीं है, बेरोजगार। तुरनो, तुरनो कहते हैं शिफ्ट को, मेरी पहली शिफ्ट है या सुबह की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है। तुरनो दे दिया दिन की शिफ्ट, तुरनो दे नोचे रात की शिफ्ट। तुरनो पार्टीदो कहते हैं जब हमारा काम लगातार नहीं होता, 9 से 2 मिसाल के तौर पे, और बाद में 2 घंटे छुट्टी, पिछले टाइम हमने फिर जाना होता है, तो उसको कहते हैं तुरनो पार्टीदो, 2 हिस्सों में शिफ्ट। कॉन्ट्रातार, कॉन्ट्रातार होता है माहिदा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रातार। कॉन्ट्रातो ये वो पेपर होता है या माहिदा होता है जिसको हम साइन करते हैं। कॉन्ट्रातो इनडेफिनिडो ये एक माहिदे की किस्म है जो कि होती है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कॉन्ट्रातो फिखो, इसको कहते हैं कॉन्ट्रातो इनडेफिनिडो, गैर मुइना मुद्दत का माहिदा जो होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो इनडेफिनिडो, याद रखिए इसको आम तौर पे हम कहते हैं कॉन्ट्रातो फिखो। कॉन्ट्रातो टेम्पोराल जिसकी कोई मुद्दत हो, जिसकी कोई लिमिट हो, आरजी जो मुआहदा होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो टेम्पोराल। कॉन्ट्रातो एम प्रैक्टिकस ये होता है जब आपने कोई भी काम सीखा हुआ है तो उसके बाद जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वो जो कंट्रैक्ट का आपका होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रातो एम प्रैक्टिकस, तरबियती मुआहदा। रेनोवार कॉन्ट्रातो, माहदे की तजदीद करना या उसको आगे बढ़ाना। फिरमार एल कॉन्ट्रातो, माहदा साइन करना, दस्तखत करना माहदे पे, फिरमार एल कॉन्ट्रातो। स्वेल्डो, स्वेल्डो कहते हैं अपनी जो हमारी तनख्वाह होती है उसको। सालारियो ये भी समझ लें स्वेल्डो ही होती है, तनख्वाह इसको भी कहते हैं। सालारियो मिनिमो ये वो वेज होती है, वो हमारी तनख्वाह होती है जो कि कानूनी तौर पे कम से कम हम ले सकते हैं, या कंपनी हमें कम से कम वो तनख्वाह दे सकती है, उससे कम हमें नहीं दे सकती। एक जो 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आजकल 900 और कुछ यूरो है कम से कम तनख्वाह। स्वेल्डो ब्रूटो ये होती है मुकम्मल तनख्वाह, इससे मुराद ये है कि हमारी जो भी एम्प्रेसा कंपनी हमें देती है उसमें से टैक्स वगैरह जो काटने से पहले जो तनख्वाह होती है मुकम्मल, उसको कहते हैं स्वेल्डो ब्रूटो। बाद में जब हम अपने टैक्सेस अदा करते हैं और जो हमारे बैंक में इंग्रेसार होती है उसको कहते हैं स्वेल्डो नेटो। स्वेल्डो ब्रूटो मुकम्मल तनख्वाह जिसमें बाकायदा टैक्स वगैरह वो शामिल है, वो अभी तक उन्होंने वहां से काटे नहीं, तो बाद में जब वो कोबरार कर लेते हैं सारे टैक्सेस तो बचती है हमारी स्वेल्डो नेटो, टैक्स अदा करने के बाद तनख्वाह। नोमिना ये जो तनख्वाह की रसीद होती है इसको कहते हैं नोमिना। पारो या प्रेस्टेशन पोर डिसएम्प्लॉय, आम तौर पे हम इसको कहते हैं पारो, जब हम काम नहीं कर रहे होते तो जो इनकम हमें मिलती है, जो अदायगी करती है सेपे आजकल, तो उसको कहते हैं, टेक्निकल जो इसका लफ्ज है वो होता है प्रेस्टेशन पोर डिसएम्प्लॉय, या आमतौर पर हम इसको पारो भी कहते हैं, बेरोजगारी की इनकम। इम्पोस्टो, इम्पोस्टो कहते हैं टैक्स को, इसकी बहुत ज्यादा जो किस्में हैं उनमें से एक है ईआरपीएफ, इम्पोस्टो सोब्रे ला रेंता दे लास पर्सोनास फिजिकास, ये जो अफराद काम करते हैं जिनकी इनकम होती है और वो कंपनीज नहीं होती, लोगों की इनकम से होती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं ईआरपीएफ, और हम इसको जानते हैं इनकम टैक्स के नाम से।
cuota de seguridad social, ये हमारी जो नॉमिना होती है, हमारा जो तनख्वाह होती है, उसमें से एक तो ईआरपीएफ है जो है ना वो काटा जाता है, उसके बाद एक और अच्छा खासा जो हिस्सा होता है वो होता है कोटा दे सेगुरिदाद सोसियल। ये माशर्ती तहफुज टैक्स होता है जो कि अगर किसी भी बीमारी की वजह से या किसी वजह से हम काम नहीं कर सकते, हमारी इनकैपेसिटेट हो गई है, तो इस टैक्स के मुआवजे में या इसके अदा करने के बाद हमें वो सारी सहूलियात जो है ना वो मिल सकती हैं। तो ये होता है कोटा सेगुरिदाद सोसियल माशर्ती तहफुज टैक्स। डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है इम्तियाज, मतलब कभी काम पे हमें किसी वजह से हमारे हमारे मजहब की वजह से, रंग की वजह से या किसी भी वजह से हमारे साथ डिफरेंट सलूक अगर अपनाया जाता है तो वो होती है डिस्क्रिमिनेशन पर राशा पर कलर पर लो के सिया, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कि हमें किसी वजह से ऐसी फेवर, कोई ऐसा जो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा जो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, तो हम कैसे आप ये चीज बता सकते हैं, पस आई उना डिस्क्रिमिनेशन एन मी पुस्टो दे ट्राबाजो। डिसकैपेसिटेट, ये होती है मजदूरी। इंटिमिडार, इंटिमिडार होता है हरासा करना, किसी कोई भी बॉस आपको कर सकता है, कोलीग आपको कर सकता है, मतलब किसी वजह से भी, तो इसका लफ्ज है इंटिमिडार। इंटरकम्बियो, ये होता है तबादला, आप एक जगह पे लगे हुए हैं तो आपको दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है तो आपका वो इंटरकम्बियो कर दिया जाता है। कंपनियरो दे ट्रबाजो, अपना जो हमारा वर्कर होता है, साथी जो होता है, उसको कहते हैं कंपनियरो दे ट्रबाजो। एक्टीट्यूड, एक्टीट्यूड हमारा रवैया या किसी का रवैया, उसको कहते हैं एक्टीट्यूड। पाउसा पारा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि पाउसा होता है रुकना, पारा के लिए, तो पाउसा पारा एल अलमुर्सो, पाउसा पारा फुमार, जो भी किसी वजह से भी जब हम रुकते हैं या रुका जाता है तो उसको कहते हैं पाउसा पारा, तुम्हारा कैफे जो भी हो। सालूद, सेहत। इहियेने, सफाई। रेपारार, रेपारार होता है ठीक करना। रोपा सूफिया, आमतौर पे हमारे जो काम की जो जगह होती है वहां पे एक जगह बनी होती है, ये है रोपा लिंपिया के लिए, यहाँ पे आपने अपना जो गंदे कपड़े हैं वो रखने हैं, तो ये है गंदे कपड़े रोपा सूफिया। लेबोरेटोरियो, लेबॉरेटरी। एथिका, अखलाकियात। डिसिप्लिना, नज्मो जब्त, डिसिप्लिन। तियंदा, शॉप, दुकान। कॉम्पोर्टामेंटो, सलूक। लुगार दे ट्रबाजो, काम की जगह। कारगा दे ट्रबाजो, काम का बोझ। एस्फुर्सो, कोशिश, मेहनत। ते स्टास एस्फुर्सांडो मुचिसिमो, ओ स्टास हाciendo un gran esfuerzo। ट्रबाजो इन इक्विपो, ये होता है टीम वर्क, जब मिलके काम करते हैं। लेगल, कानूनी, लीगल। प्लांटिया, अमला। एनकार्गादो, फोरमैन। ऑफिशियल दे रैंक, क्योंकि ये ऑफिशियल दे प्रिमेरा हो सकता है, दे सेगुंडा, स्पेशलिस्टा, ये जो रैंक होते हैं इसमें ऑफिशियल दे प्रिमेरा होता है या ऑफिशियल दे सेगुंडा होता है। पेयोन, ये समझ लें सबसे लो कैटेगरी होती है, जब आपके पास कोई टेक्निकल फॉर्मेशन नहीं होती और आप एज ए मजदूर काम करते हैं, तो वो आपका जो रैंक होता है या जो जिस तर्ज पे आप काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं पेयोन। एंट्रेविस्टा दे ट्रबाजो, ये होता है काम का इंटरव्यू। आउटोनोमो, ये होता है खुद, आउटोनोमो एज ए लफ्ज, इसका लफ्जी मायनी है खुद मुख्तार, और अगर हम इसको काम की वोकैबुलरी में देखें तो ऑटोनोमो वो काम होता है जो आप अपने लिए करते हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस होता है जब, तो वो आप कैसे काम कर रहे होते हैं एज ए ऑटोनोमो, और जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ट्रबाजार पोर क्वेंटा, सॉरी ट्रबाजार पोर क्वेंटा प्रोपिया, ये समझ लें ऑटोनोमो कहने का दूसरा तरीका है, अपना कारोबार करना ट्रबाजार पोर क्वेंटा प्रोपिया, और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं एक सैलरी के उस, तो इसको कहते हैं असालरियादो, यो सोय उन असालरियादो, मैं तनख्वाह पे काम करता हूँ, किसी के पास काम करना या सैलरी के उस काम करना, इसको कहते हैं असालरियादो। ट्रबाजो
trabajador या trabajar por cuenta ajena, ये भी सेम या पीछे वाला किसी के पास काम करने, एक तो होता है असलरियादो और दूसरा इसको कहने का जो लफ्ज है वो है trabajar por cuenta ajena, buscar trabajo, काम ढूंढना, काम की तलाश करना, candidato, candidate, उम्मीदवार, condiciones de trabajo, काम के हालात, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे कंडीशंस क्या हैं, तो उसको कहते हैं कंडीशंस दे ट्रबाहो, वाकेशनेस छुट्टियां, दिया लाबोरल काम का दिन, मतलब समझ लें मंडे से फ्राइडे तक ये जो वर्किंग डे होते हैं इसको कहते हैं दियास लाबोरालेस, पेरियोडो दे प्रुएबा आजमाइशी मुद्दत, मतलब ये वो पेरियोड होता है वो दिन होते हैं जहां पे आपको काम पे रखा जाता है, आमतौर पे ये 15 दिन होते हैं देखने के लिए कि आप वाकई आप ये काम कर सकते हैं या नहीं, अगर आप ये आजमाइशी मुद्दत में या पेरियोड प्रेवा में पास नहीं होते तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के आपको काम से निकाल सकते हैं। जोर्नादा कॉम्प्लेटा ये वो काम होता है जो आप दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 40 घंटे का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है आपका जो जोर्नादा है वो कॉम्प्लेटा है, और अगर आप काम कर रहे हैं 8 घंटे से कम दिन में और हफ्ते में आपके बनते हैं 40 घंटे से कम तो आप कह सकते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, जोर्नादा पार्शियल नामुकम्मल ड्यूटी। डेस्पेडिर होता है काम से निकालना, डेस्पेडिडो बर्तरफी करना या काम से निकाला जाए कोई तो उसको कहते हैं एस्टा डेस्पेडिडो, डेस्पिडो जस्टिफिकाडो ये होती है जायज बर्तरफी या किसी वजह से जब आप किसी को किसी पक्की वजह से किसी को काम से निकालते हैं तो वो होती है डेस्पिडो जस्टिफिकाडो, या इसको ये भी कह सकते हैं डेस्पिडो प्रोसेडेंट, जायज बर्तरफी जो होती है जो एम्प्रेसा कानूनी तौर पे और लीगली करता है उसको कहते हैं डेस्पिडो जस्टिफिकाडो ओ डेस्पिडो प्रोसेडेंट, लेकिन जब आपका जो आपको काम से निकाला जाए और वो एक रीजन जो वो बताता है कंपनी वो एक लीगल रीजन ना हो तो उसको कहते हैं डेस्पिडो इम्प्रोसेडेंट नाजायज बर्तरफी। अगला इनकैपेसिटेड टेम्पोरल, इनकैपेसिटेड टेम्पोरल होती है आरजी मजूरी, जब आपका कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और आप कुछ मुद्दत के लिए काम नहीं कर सकते तो आपका जो पखा होगा वो होगा पोर इनकैपेसिटेड टेम्पोरल, क्योंकि ये आरजी है। इनकैपेसिटेड परमानेंट होती है कि जब आप मुकम्मल अपनी सारी लाइफ के लिए काम के लिए मजदूर हो जाते हैं तो वो होती है मुस्तकिल मजदूरी, इसको कहते हैं इनकैपेसिटेड परमानेंट। इंडेमनाइजेशन फॉर डेस्पिड होती है काम से निकालने की जो अदायगी कंपनी करती है आपको उसको कहते हैं इंडेमनाइजेशन फॉर डेस्पिड। फिनिकीटो ये भी वही है इंडेमनाइजेशन फॉर डेस्पिड, लेकिन इसमें इंडेमनाइजेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है कि अगर आपको नाजायज तरीके से निकाला गया या आपको किसी ऐसी वजह से निकाला गया जो कि सही लीगली नहीं है तो वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिनिकी और वो हमेशा जो है ना वो नहीं होती, फिनिकी तो आपको हमेशा मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आपने जो जितने महीने काम किया होता है उस हिसाब से जो आपकी एक्स्ट्रा तनख्वाह होती है वो भी इसमें डाली जाती है, जितने दिन आपने काम किया है वो भी तनख्वाह आपको इसमें डाली जाती है, जो आपकी वाकेशनेस बनती है उस वो भी आपको पेमेंट में अदा की जाती है, तो इस सारे हिस्सों को मिला के वो कहते हैं फिनिकी। तो जब भी आपको काम से निकाला जाए तो जो अदायगी एंड पे आपको की जाती है उसको कहते हैं फिनिकीटो। बाखा मेडिका डॉक्टरी छुट्टी, बाखा पोर मातरनिदाद माँ बनने पर छुट्टी, बाखा पोर पातरनिदाद बाप बनने पर छुट्टी, बाखा बोलुंतारिया अपनी मर्जी से काम छोड़ना, और बाखा इनवोलुंतारिया हो जाएगा जब आपको काम से निकाला जाए, बाखा बोलुंतारिया अपनी मर्जी से इनवोलुंतारिया जब आपको निकाला जाए, दिमितीर इस्तीफा देना, पता नहीं सही दिए लिखा हुआ उर्दू में या नहीं लेकिन इस्तीफा देने को कहते हैं दिमितीर, खुबिलार से रिटायर्ड होना, खुबिलाशन पेंशन, के स्टास कोब्रांडो एस्टोय कोब्रांडो खुबिलाशन मैं पेंशन ले रहा हूं, अउमेंटो दे स्वेल्डो तनख्वाह में अजाफा, फॉर्मेशन तरबियत, कुर्रिकुलम सीवी, ETT एम्प्रेसा दे ट्राबाजो टेम्पोरल, ये वो कंपनीज होती हैं जहां जाके हम काम के लिए नाम लिखवा सकते हैं, वो कंपनीज हैं जो के बाकी एम्प्रेसा के साथ काम करती हैं जिनको भी काम की जरूरत होती है बंदों की जरूरत होती है वो ETT से रابطہ करते हैं, और ETT
के पास, क्योंकि कैंडिडेट मौजूद होते हैं तो वो उनको बुला लेते हैं। तो ये कंपनीज जो कि लोगों को काम पे रखती हैं उनको कहते हैं एटेटे एम्प्रेसास दे ट्राबाजो टेम्पोरा। सिंडिकातो ये होती है वर्कर्स की जो यूनियन होती है उसको कहते हैं सिंडिकातो। इस वक्त स्पेन में सीसीओओ, कमीशनस ओबरेरास, यूजीटी या इस तरह की और भी जो यूनियंस हैं वो मौजूद हैं। मजदूरों की जमात हुएल्गा हड़ताल को कहते हैं। वाकांते दे ट्राबाजो मुलाजमत की जो खाली जगह होती है जहाँ पे आप किसी बंदे को रख सकते हैं, या अगर आपने किसी को कहना है कि मेरे कंपनी में एक बंदे की जरूरत है तो आप कह सकते हैं आई यूना वाकांते इन मी एम्प्रेसा। पुंतुअलिदाद ये होती है टाइम पे पहुंचने को कहते हैं पुंतुअलिदाद, और इन पुंतुअलिदाद कहते हैं जब आप लेट पहुंचते हैं तो अगर आपको कोई सजा होती है तो वो होगी पोर इन पुंतुअलिदाद। स्पेशलिस्टा स्पेशलिस्ट को कहते हैं। ओरारियो टाइम टेबल, ओरास ट्राबाजादास जो घंटे आपने काम किए हैं वो होते हैं ओरास ट्राबाजादास काम में लगाए गए घंटे। ओरास एक्स्ट्राऑर्डिनारियास ये जो एक्स्ट्रा घंटे होते हैं या असाफी जो घंटे होते हैं उनको कहते हैं ओरास एक्स्ट्राऑर्डिनारियास। ओब्लिगाफियोन ये होती है पाबंदी। डेरेचो ये जो आपका कोई राइट होता है कोई हक होता है तो उसको कहते हैं डेरेचो। ऑप्टिमिस्टा, ऑप्टिमिस्टा कहते हैं ऐसे बंदे को जो कि बहुत पुरअमीद हो, बिल्कुल हर चीज के बारे में पॉजिटिव हो, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टा। तो ये जो जितने भी अल्फाज हैं तकरीबन 100 अल्फाज मैंने आपको कहा है, तो इनको यूज कैसे करते हैं इस लफ्ज के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ताकि इसी स्ट्रक्चर के साथ आप सारे के सारे जो अल्फाज हैं उनको यूज कर सकें। तो देखते हैं हम ऑप्टिमिस्टा को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल इसकी, सोई उना पर्सोना ऑप्टिमिस्टा, मैं एक पॉजिटिव बंदा हूं या मैं एक पुरअमीद बंदा हूं। दूसरी एग्जांपल, मी हरमानो एस ऑप्टिमिस्टा, मेरा भाई ऑप्टिमिस्टा है, पुरअमीद है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने मी हरमानो जिसकी बात कर रहे हैं, एस जो वर्ब है, वेर्बो सेर यो सोई तू एरेस एल एस, क्योंकि तीसरे बंदे की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने लगाया एस। मी हरमानो एस ऑप्टिमिस्टा, मी अमिगो एस ऑप्टिमिस्टा, मी पादरे एस ऑप्टिमिस्टा, तीसरे बंदे की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एस लगाना है, और उसके बाद जो अड्जेक्टिवो यूज करना है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, इस केस में है ऑप्टिमिस्टा। अगला, मिस पादरे सोन ऑप्टिमिस्टास इन एस्टे एस्पेक्टो, यहाँ पे मिस पादरेस क्योंकि एक से जायद है, मेरे वालदैन माँ बाप दोनों की बात हो रही है तो इस नहीं लगाया, सोन लगाया है क्योंकि वेर्बो सेर है, यो सोई तू एरेस एल एस, नोसोत्रोस सोमोस हम हैं, वोसोत्रोस सोइस तुम सब हो, एयोस सोन वो हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस पादरेस सोन मेरे वालदैन हैं, ऑप्टिमिस्टास पुरअमीद इन एस्टे एस्पेक्टो इस टॉपिक पे। अगली एग्जांपल है, मे गुस्टान पर्सोनास ऑप्टिमिस्टास, मुझे पुरअमीद लोग पॉजिटिव लोग पसंद हैं, मे गुस्टान पर्सोनास ऑप्टिमिस्टास। तो ये है स्ट्रक्चर जिसके साथ हम इनमें से कोई भी एडजेक्टिव जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो दिखाऊंगा, यूज करने का तरीका सिर्फ इसी एक में आपने देखना है। अगर दोबारा आपको वापस आना पड़े या अगर आप इन अभी लिख लें तो बेहतर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले लफ्ज की जानिब जो के है पेसिमिस्ता, ये पिछले का बिल्कुल मुतसाद है, पेसिमिस्ता मायूस, ऑप्टिमिस्ता पुरअमीद, पेसिमिस्ता मायूस। इमोशनल जज्बाती, अनसियोसो फिक्रमंद, अंसियोसो त्रावियोसो शरारती, त्रावियोसो। सेंसिबले हसास, सेंसिबले। अमिस्तोसो दोस्ताना, अमिस्तोसो। इंटेलिजेंटे जहीन, इंटेलिजेंटे। अग्रादाबले अच्छा उम्दा, अग्रादाबले। मालुमोरादो बदमिजाज, माल उमोरादो, मालुमोरादो। नर्वियोसो
घबराया हुआ, नर्वियोसो, डिस्ट्राइडो, गुम, डिस्ट्राइडो, डेसोनेस्टो, बेईमान, डेसोनेस्टो, मालएडुकाडो, बदतमीज, मालएडुकाडो, डिस्क्रेटो, समझदार, डिस्क्रेटो, लोको, पागल, लोको, अलेग्रे, खुश मिजाज, अलेग्रे, एनर्जिको, चुस्त, एनर्जिको, डेसऑर्डेनाडो, बेतरतीब, डेसऑर्डेनाडो, desagradable, no juzgar, desagradable, hablador, batuni, ज्यादा बातें करने वाला, hablador, tranquilo, पुरसकून, tranquilo, apasionado, पुरजोश, apasionado, orgulloso, por fajar, orgulloso, sincero, mujlas, sincero, perezoso, sust, perezoso, gracioso, masjakajes, gracioso, tonto, Bevakuf, tonto, tímido, Sharmila, tímido, determinado, Sabatkadam, determinado, versátil, Harfanmola, yo koi bhi kaam kar sakta ho, versátil, sociable, Milanesar, sociable, preocupado, Fikermand, preocupado, humilde, Ajaz, humilde, amistoso, Dostana, amistoso, obediente, Farmabardar, obediente, honesto, Imandar, honesto, audaz, bejof, audaz, hostil, gerdostana, hostil, antipático, gerdostana, antipático, generoso, sahi, generoso, compasivo, hamdard, compasivo, desobediente, nafarman, desobediente, simple, sidasada, simple, egoísta, hudgers, egoísta, imaginativo, tahilati, imaginativo, plácido, mathammal mizaj, pursukoon, plácido, celoso, hasid, celoso, entusiasta, purjosh, entusiasta, persistente, mustaqil mizaj, persistente, sensato, samajhdar, sensato, racional, समझदार, racional, जो के कोई भी काम सोच समझ के करता हो, बिल्कुल एक सेकंड्स में जो है ना कोई भी चीज का फैसला ना करता हो, सोच समझ के जो काम करता हो उसको कहते हैं racional, अच्छे भले का फर्क जो करता हो। रेसर्वाडो, अपने आप में रहने वाला, रेसर्वाडो,
Seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo. Khud etmad. Jisko apne aap pe etmad ho, use kehte hain seguro de sí mismo. Es una persona segura de sí mismo. Mandón. Amrana. Mandón. Jisko zyada order karne ki aadat ho har kisi ko. Paciente. Sabr. Paciente. Impaciente. Besabra. Besabar. Impaciente. De trato fácil. Asani se manne wala ya jis se asani se manaya ja sake, use kehte hain de trato fácil. Descuidado. Laparvah. Descuidado. Sucio. Ganda. Sucio. Creativo. Tahliki. Creativo. Jo nayi nayi cheezein design kar sakta ho, uske paas naye naye ideas ho, use kehte hain una persona creativa. Juan es creativo. Trabajador. Mehnati. Es una persona muy trabajadora. O mi hermano es muy trabajador. Bohot zyada mehnati hai mera bhai. Tolerante. Vasi al nazar. Tolerante. Jo har cheez ka issue na banata ho, matlab nazar se jaane deta ho, use kehte hain tolerante. Fiel. Wafadar. Distraído. Mashghul. Distraído. Tranquilo. Jamosh. Tranquilo. Entusiasta. Purjosh. Entusiasta. Valiente. Dler. Valiente. Leal. Wafadar. Leal. Modesto. Mamuli. Modesto. Seguro. Pure temat. Seguro. Atento. Tovajja dene wala. Atento. Cariñoso. Muhabbat karne wala. Cariñoso. De confianza. Cable etemad. De confianza. Asustado. Darahua. Asustado. Concienzudo. Concienzudo. Basmir. Concienzudo. Cuidadoso. Mohtat. Cuidadoso. De buen carácter. Ache mizaj wala. De buen carácter. Amable. Sharif. Amable. Limpio. Saf. Limpio. Dinámico. Mutharrik. Dinámico. Justo. Mansaf mizaj. Justo. Imparcial. Ghair janibdar. Imparcial. Tímido. Sharmila. Tímido. Intelectual. Daneshwar. Intelectual. Valiente. Bahadur. Valiente. Ambicioso. Bland nazar. Ambicioso. Jo har cheez pe kabza karna cha raha ho, use kehte hain ambicioso. Cortés. Shaista. Cortés. Contento. Khush. Contento. Humorístico. Mazahia. Humorístico. Popular. Makbul. Popular. Romántico. Romanvi. Romántico. Serio. Sanjida. Serio. Aventurero. Khatremo lene wala. Aventurero. Hipócrita. Munafik. Hipócrita. Aur iske saath hamari aaj ki class ka hota hai ikhtitam.
उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जालिम जिसको स्पेनिश में कहते हैं क्रूएल, तो इसका जो उल्ट होता है वो नरम दिल होता है, जिसको कहते हैं स्पेनिश में अमाबले। मुतफिक होना किसी चीज़ से, उसको कहते हैं इस्तार दे अक्वेडो। यो इस्तोई दे अक्वेडो कंतिगो, मैं तुमसे मुतफिक हूँ, तो इसका उल्ट है इस्तार एन देस अक्वेडो। नफा बेनिफिशियो, नुकसान पेरदीदा। ऊपर अरिबा, नीचे अबाहो। इजाज़त देना परमितीर, मना करना प्रोहिबीर। कदीम बियेखो, जदीद मोडर्नो। आमंद येगादा, रवानगी सालिदा। खरीदना कॉम्प्रार, बेचना बेंदेर। गर्म करना कालेंतार, ठंडा करना एम्फ्रियार। बहादुर बालियंते, बुजदिल कोबार्दे। खूबसूरत ग्वापो, बदसूरत फेओ। कुशादा आंचो, तंग एस्ट्रेचो। मुख्तलिफ डिफरेंटे, मुशाबा सिमिलार। ब्राहिरास्त डायरेक्टो, मलवास्ता इनडायरेक्टो। बीमारी एन्फर्मेदाद, सेहत सालूद। मुश्किल डिफिसिल, आसान फासिल। बरामद करना एक्सपोर्टार, दरामद करना इम्पोर्टार। एक्सपोर्टार होता है दूसरे ममालिक को अपनी चीज़ें बेचना, और इम्पोर्टार होता है दूसरे ममालिक से चीज़ें ख़रीदना। अंदर आने का रास्ता एंट्रादा, बाहर जाने का रास्ता सालिदा। तैरना नदार, डूबना उंदीर। आज़ादी इंडिपेंडेंसिया, इंडिपेंडेंसिया। गुलामी एस्क्लावितूद, एस्क्लावितूद। हादसाती तौर पे एक्सीडेंटलमेंटे, एक्सीडेंटलमेंटे। जानबूझकर इंटेंशनादामेंटे, इंटेंशनादामेंटे। झूठा मेंटिरोसो, सच्चा सिंसेरो। कबूल करना एक्सेप्टार, रद्द करना रेचासार। सख्त दूरो, नर्म ब्लांडो। ईमानदार ओनेस्टो, बेईमान डिसओनेस्टो। छुपाना ओकुलतार, तलाश करना बुस्कार। हंसना रेईर, रोना योरार। देना दार, लेना रेसिविर। जिंदा बीबो, मुर्दा मुर्तो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमो, कम से कम मिनिमो। मनफी नेगेटिवो, मस्बत पॉजिटिवो। कुदरती नेचुरल, मस्नुई आर्टिफिशियल। जुबानी ओरल, तहरीरी एस्क्रितो। मुल्की नातिवो, जब कोई एक मुल्क का होता है तो वो होता है वहाँ का नातिवो, और गैर मुल्की एक्स्ट्रांजेरो। गरीब
पॉबरे, अमीर, रिको, ठोस, सोलिदो, कोई भी चीज़ जब सख्त होती है तो उसको कहते हैं, ये एक ठोस चीज़ है तो उस स्पैनिश में उसको कहते हैं सोलिदो, और लिक्विड, जब कोई चीज़ लिक्विड होती है तो उसको कहते हैं लिकिदो, माया लिकिदो। कामयाबी विक्टोरिया, नाकामी डेरोटा, मीठा दुल्से, खट्टा आग्रियो, मोटा गोर्दो, पतला डेलगाडो, बाद में डेस्पुएस, पहले अंतेस, साथ में जुंतोस, तन्हा सोलो, जंग गेर्रा, अमन पास, अकलमंद इंटेलिजेंटे, इंटेलिजेंटे, अहमक टोंटो, अकलमंद साबियो, जाहिल इग्नोरांते, इग्नोरांते, जागना डेस्पेर्तारसे, डेस्पेर्तारसे, सोना दोर्मिर, खुश अलेग्रे, ना खुश त्रिस्ते, जिंदगी बिदा, मौत मुर्ते, जीतना गनार, गनार, हारना पेरदेर, कमजोर डेबिल, डेबिल, ताकतवर फुर्ते, सफेद ब्लंको, स्या नेग्रो। सिएम्प्रे, सिएम्प्रे कहते हैं हमेशा, कोई भी काम हमेशा हो तो उसको कहते हैं सिएम्प्रे। और इसका मुतजाद है कभी नहीं, मतलब नुंका। हमेशा सिएम्प्रे, कभी नहीं नुंका। याद रखना रेकोर्डार, रेकोर्डार। भूल जाना ओल्विदार, ओल्विदार। उम्मीद एस्पेरांसा, एस्पेरांसा। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनकी आपने एक्सेंट पे सही जो है वो ध्यान देना है। जो जेड पे ख़त्म होते हैं या सी ई पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हमने, मतलब उसको प्रनाउंस हमने करना है से, से। एस्पेरांसा, ना उम्मीद, डेसएस्पेरासियन। ना उम्मीदी होती है वो, डेसएस्पेरासियन। यहाँ पे ना उम्मीद लिखा हुआ है लेकिन डेसएस्पेरासियन का सही मायने है ना उम्मीदी। जहालत इग्नोरेंसिया, इग्नोरेंसिया। और इलम कोनोसिमिएंटो, कोनोसिमिएंटो। इकट्ठा जुंटो, जुंटो। अलैदा सेपारादो, सेपारादो। जल्दी प्रोंतो, प्रोंतो। ताखीर से तार्दे। आज़ाद इंडिपेंडिएंटे, इंडिपेंडिएंटे। दस्तनगर डिपेंडिएंटे, जो आज़ाद ना हो किसी पर डिपेंड करे उसको कहते हैं डिपेंडिएंटे। शुरू करना एम्पेसार, एम्पेसार। ख़त्म करना टर्मिनार, टर्मिनार। सामने एनफ्रेंटे, एनफ्रेंटे। पीछे डेट्रास, डेट्रास। गरम कालियेंटे, कालियेंटे। ठंडा फ्रियो, फ्रियो। बड़ा ग्रांडे, छोटा पेकेन्यो। सभी, तोदोस, तोदोस।
कोई भी नहीं, नादिए। जमा सुमा या सुमार, जमा करना सुमार, तफरीक करना दिविदीर, तो यहाँ से जमा हुआ सुमा और तफरीक को कहते हैं रेस्ता। ऊपर अरीवा, नीचे अबाहो। रजाकाराना बोलुंतारियो, बोलुंतारियो रजाकार। और लाजमी ओब्लिगाटोरियो, जो अपनी मर्जी से आप करें कोई भी काम वो होता है वोलुंटारियामेंटे या दे फॉर्मा वोलुंटारिया, और जो लाजमी तौर पे आपने करना हो मतलब आपके ऊपर वो एक किस्म की ओब्लिगेशन हो तो उसको कहते हैं ओब्लिगाटोरियो। दाखिल होना एंट्रार, निकलना सालिर। भरा हुआ येनो, खाली वासियो, वासियो। खुला हुआ अबियर्टो, बंद सेरादो। करीब सेरका, सेरका दूर, लेखोस, लेखोस। हकीकत रियालिदाद, रियालिदाद। अफसाना फिक्शन, जो चीज़ हकीकत ना हो बनाएगी हो तो उसको कहते हैं फिक्शन। बांधना अतार, किसी को रस्सी के साथ बांधना या किसी भी चीज़ के साथ बांधने को कहते हैं अतार करना, अतार। खोलना सोल्तार, अतार सोल्तार। सादा सिंपले, पेचीदा कॉम्प्लिकाडो, पेचीदा कह लें मुश्किल कह लें उसको कहते हैं कॉम्प्लिकाडो। संजीदा सेरियो, हंसमुख ग्रासियोसो, ग्रासियोसो। अंदर देंत्रो, बाहिर फुएरा। ऊंचा आल्टो, नीचा बाहो। सही वेर्दादेरो, गलत फाल्सो। तेज रापिडो, आहिस्ता डेस्पासियो। पहला प्रीमेरो, आखिरी उल्टिमो, उल्टिमो। यहाँ पे यू के ऊपर असेंटो है, उल्टिमो। पाना कॉन्सेगिर, कोई भी चीज़ जब आपको मिल जाती है तो आपने वो कॉन्सेगिर कर ली, पाना कॉन्सेगिर। खोना पेरदेर, धक्का देना एम्पुखार, खींचना तिरार। ये बहुत दफ़ा दरवाज़ों पे लिखा होता है एम्पुखार, इसका मतलब आप धक्का दे के दरवाज़ा खोलें, और कुछ जगहों पे लिखा होता है तिरार तो इसका मतलब है अपनी तरफ खींच के दरवाज़ा खोलें। सवाल करना प्रेगुंतार, जवाब देना रेस्पोंडेर, प्रेगुंतार रेस्पोंडेर। बैठना सेंतार से, खड़ा होना एस्तार दे पिए। खुश कॉन्टेंटो, गमगीन त्रिस्ते। मीठा दुल्फे, कड़वा अमार्गो। वहाँ अजी, यहाँ अकी। फेंकना तिरार, पकड़ना कोहेर। किसी चीज़ का किसी जगह पे ना होना मतलब गैर हाजिर होना उसको कहते हैं ausencia, ausencia। और हाजिर होना इसको कहते हैं presencia, presencia। महफूज seguro, खतरनाक peligroso। कबूल करना admitir, मुस्तरद करना rechazar। हमला करना अताकार, दिफा करना defender। बेहतरीन mejor, बदतरीन peor। तोड़ना romper,
मरम्मत करना, रेपारार, तामीर करना, कंस्ट्रुइर, तबाह करना, डेस्ट्रुइर, रोशन, क्लारो, अंधेरा, ओस्कुरो, फाल, एक्टिवो, गैर फाल, इनएक्टिवो, दोस्त, अमीगो, दुश्मन, एनेमिगो, मोहब्बत, अमोर, नफरत, ओदी। Abajo. Abajo, ¿qué es lo que tiene? Nietzsche. Abajo, Nietzsche. Te espero abajo. Me tomará intentar cartajón, Nietzsche. Te espero, tomará intentar cartajón. Abajo, Nietzsche. Arriba, Upper. Deja los libros en la estantería de arriba. Deja los libros, Rojo Books, en la estantería y la estantería venía de arriba, Upper. Dentro, dentro que manía, under. El balón está dentro de la caja. Jo gend hai, jo ball hai, wo caje ke andar hai, ya dibbe ke andar hai. Afuera, afuera kehte hain bahir ko. Afuera hace mucho frío. Bahir bahut zyada sardi hai. Aquí, yahan, tú no puedes estar aquí. Tum yahan nahi reh sakte ya aa sakte ya reh sakte. Tum yahan nahi reh sakte. No puedes estar aquí. Allí, allí o te, vaha. Yo te vi allí. Yo me te vi, tú te deja allí, vaha. Mene tú me vaha deja. Cerca, cerca que tiene, Nazdik. Mi colegio está cerca de mi casa. Mi colegio, Mera School, está cerca, o Nazdik hai. De mi casa, mere garse. Lejos. Lejos que tiene Durgo. Madrid está muy lejos de aquí. Madrid, Madrid, está muy lejos, bohotdur, de aquí, yahanse. Delante. Delante que tiene Age. Dio un paso hacia adelante. Dio un paso. Usne ek kadam rakha hacia adelante, aage ki taraf. Detrás, piche. ¿Quién está allí detrás de la puerta? ¿Quién está allí? Vahan kon hai? Detrás de la puerta, darwaze ke. ¿Dónde? Kahan. ¿Dónde está tu mochila? ¿Dónde? Kahan hai? Está tu mochila, tumhara bag. Enfrente. Enfrente que tienes, samne ko. Se sentó enfrente mío. Se sentó, wo baith gaya, enfrente mío, mere samne. En todas las partes, ya en todas partes. Har jagah. Parecía que estaba en todas las partes. Parecía, lagta tha, que estaba, que wo tha, en todas las partes, har ek jagah. Parecía que estaba en todas las partes. Encima. Encima que tiene Uperco. La taza está encima de la mesa. La taza, cup, está encima de la mesa, mes que upa. Debajo de. Usque Nietzsche. El gato está debajo de la cama. El gato, Billy. Está, isvakt, debajo de la cama, bed ke niche. Alrededor. Alrededor que tiene. Irdgird. La tienda de Nike está alrededor del estadio. Nike ki jo shop hai, wo stadium ke irdgird hai. Ahora. Ahora ka matlab hota hai abhi, isi vakt. To iske saath jumla kaise hua? Tienes que venir ahora mismo. Tumhe abhi isi waqt aana hoga. Tienes que venir ahora mismo. To jaisa ki maine bataya tha ki ye hame batati hai cuando, matlab kab kuch hua. To is case mein hum dekh sakte hain jumla kya hai? Tienes que venir ahora mismo. To hum ye hame batati hain cuando. To agar main bolu cuando tienes que venir, jo jawab hoga wo adverbio hoga ahora mismo. ¿Cuándo tienes que venir? Ahora.
अभी मिस्मो भी इसमें और ज्यादा कंक्रीटर कर रहा है, लेकिन अद्वर्बियो इसमें क्या हुआ, आवरा। अगर हम किसी भी जुमले से पूछें क्वांडो मतलब कब, जो जवाब होगा वो होता है अद्वर्बियो। अक्तुअलमेंते इसका मायने है आजकल या हाल ही में, तो इसके साथ फिक्र है अक्तुअलमेंते एस्टा प्रोहिबिडो उतिलिजार टेनेडोरेस दे प्लास्टिको, आजकल प्लास्टिक के जो टेनेडोरेस होते हैं वो यूज करना ममनू है, प्रोहिबिडो है। ओई आज, ओई एस एल दिया मास इम्पोर्टेंटे दे मी विदा, आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। अयेर कल गुजरा हुआ, अयेर फुए मी कुम्प्लेआños, अंते अयेर 2 दिन पहले, दुंदे स्टुविस्ते अंते अयेर, तुम ये जो 2 दिन पहले अयेर से पहले वाला जो दिन है अंते अयेर, उस दिन तुम कहाँ थे। मन्याना कल जो आने वाली होती है, मन्याना वोई आ तु कासा, मन्याना वोई आ तु कासा, कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। पासादो मन्याना परसों, पासादो मन्याना नुएस्ट्रा टिएंडा एस्टारा सेर्राडा, परसों हमारी दुकान बंद होगी। क्वांडो कब, क्वांडो इस तु कुम्प्लेआños, तुम्हारी बर्थडे कब है। अंतेस पहले, अंतेस दे वेनिर आ स्पेन यो विविया इन पाकिस्तान, स्पेन आने से पहले मैं रहता था पाकिस्तान में। डेस्पुएस बाद में, डेस्पुएस दे जुगार सिएम्प्रे मे डुचो कोन एल अगुआ फ्रिया, हमेशा खेलने के बाद मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। लुएगो इसका भी मायनी है बाद में। Ahora estoy ocupado, luego te veo. अभी इस वक्त मैं बिजी हूं, बाद में तुम्हें देखता हूं या तुम्हें मिलता हूं। Próximamente, जल्द ही। Próximamente estrenan la nueva película, जल्द ही वो नुमाइश करने जा रहे हैं नई मूवी की। Mientras, जब तक, mientras जब तक या उसी दौरान, ये 2 महीने इसके हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे जो है ना वो डिपेंड करता है। मिएंट्रास फंक्शने एस्टे नो वोय आ कॉम्प्रार नुएवो, जब तक ये चलता रहेगा मैं नया नहीं खरीदूंगा। मिएंट्रास फंक्शने एस्टे नो वोय आ कम्बियार और नो वोय आ कॉम्प्रार नुएवो। पोर फिन आखिरकार, पोर फिन ए टर्मिनाडो एल ट्राबाजो, आखिरकार मैंने काम खत्म कर ही दिया। Tarde, late, देर से। Has llegado tarde, no puedes entrar a clase, तुम लेट पहुंचे हो, देर से पहुंचे हो, तुम क्लास में इंटर नहीं हो सकते। Todavía, todavía estás aquí, अभी तक, aún, अभी तक। No lo tengo hecho aún, मैंने अभी तक ये नहीं किया या मैं अभी तक ये नहीं कर सका। अउन का भी मायनी है अभी तक और तोदाविया का भी मायनी है अभी तक। या पहले से ही, या लो तेनिया एचो, मैं ये पहले से ही किया हुआ था या मैंने पहले से ही ये किया था। सिएम्प्रे हमेशा, यो सिएम्प्रे केरो गनार, मैं हमेशा जीतना चाहता हूं। Yo siempre quiero ganar. Nunca, कभी नहीं। Yo nunca vi su cara, मैंने कभी भी उसका मुंह नहीं देखा। Jamás, ये भी होता है कभी नहीं। Yo jamás haría eso, मैं कभी भी ये ना करता, कभी भी ये नहीं करता। Igual, बराबर या एक जैसा इसका मायनी है, और इसको हम जुमले में कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। खुआन कोमियो इवाल के तू, खुआन ने तुम्हारे जितना ही खाया या तुम्हारे बराबर का खाया। तो ये हो गया इवाल। अगला अद्वर्ब भी हमारे पास उन पोको मेनोस। ये बेशक 3 अल्फाज हैं, लेकिन इन सब को मिला के एक ही मतलब निकलता है जो कि थोड़ा सा कम, उन पोको मेनोस।
तो इसको हम जुमले में कुछ यूं इस्तेमाल करेंगे, debes entrenar un poco menos, तुम्हें थोड़ी सी कम ट्रेनिंग करनी चाहिए, या थोड़ा थोड़ा सा कम टाइम जो है वो उसमें ट्रेनिंग में सर्व करना चाहिए। debes entrenar, debes होता है तुम्हें करना चाहिए, entrenar ट्रेनिंग, un poco menos थोड़ा सा कम, escaso, escaso का भी मायने होता है कम या थोड़ा, कोई भी चीज जैसा कि हम अभी हम दूसरा एडवर्बियो देखेंगे जिसको हम आमतौर पे यूज करते हैं जो कि होता है पोको, तो एस्कासो भी समझ लें, पोको और एस्कासो सेम ही लफ्ज हैं लेकिन मतलब डिफरेंट लफ्ज हैं सेम ही चीज कहने के लिए, कम या थोड़ा। तो इसको हम जुमले में कुछ यूं इस्तेमाल करेंगे, ओई ओई एन दिया एल टियम्पो एस मुई एस्कासो, आजकल टाइम बहुत कम है या लोगों के पास टाइम बहुत थोड़ा है या टाइम की समझ लें डिमांड इतनी है कि वो बहुत थोड़ा सा लगता है, अगर हमने ये कहना हो तो हम कह सकते हैं हुई एंडी एल टियम्पो एस मुई एस्कासो, या एल आवा एन अफ्रीका एस उन बियन एस्कासो, ये एक ऐसा ऐसी चीज है जो कि बहुत कम है, मुई एस्कासो बहुत कम, एस्कासो का उम पोको मास, जब अगर उम पोको मेनोस था थोड़ा सा कम तो उम पोको मास है थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा और। Para ganar tienes que esforzarte un poco más. Para ganar, जीतने के लिए, tienes que esforzarte, तुम्हें मेहनत करनी होगी, un poco más, थोड़ी सी ज्यादा। Algo, इसके मानी है कुछ, estás algo triste, तुम थोड़े बहुत या कुछ triste मुझे लग रहे हो, triste मतलब थोड़े बहुत परेशान लग रहे हो। Casi, तकरीबन, कासी पियर्दो वाला अटोबूस, तकरीबन मेरे से वो बस जो है वो छूट गई थी, बहुत ही मुश्किल से पकड़ी, जब आपने कोई बस पकड़ी हो तो आप कह सकते हैं कासी पियर्दो अटोबूस, तकरीबन मेरे से तो वो बस छूट ही गई थी। बास्तांते, अच्छा भला, मतलब ना कम ना ज्यादा, बास्तांते एल मैं आयुदो बास्तांते इन ट्राबाहो, उसने मुझे अच्छी भली मेरी मदद की काम में, एल मैं आयुदो बास्तांते एन एल ट्राबाहो, नादा नादा होता है बिल्कुल कुछ भी नहीं, नो मे गुस्टा नादा दे तोदो एस्टो, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, नो मे गुस्टा नादा दे तोदो एस्टो, डेमासियादो, डेमासियादो होता है बहुत ज्यादा, मी हरमानो ट्राबाहा डेमासियादो, मेरा भाई बहुत ज्यादा काम करता है, डेमासियादो होते कोई भी चीज डेमासियादो होती है, एक तो होती है बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल अल्फाज में, लेकिन जब हम डेमासियादो कहते हैं तो वो होता है लिमिट से भी ऊपर, डेमासियादो। मास और, दामे उन पोको मास दे उबा, मुझे थोड़ा सा और अंगूर दो, दामे मुझे दो उन पोको मास थोड़ा सा और दे उबा अंगूर, मेनोस कम, यो सोय मेनोस अल्टो के तू, मैं तुमसे कम लंबा हूं, Yo soy menos alto que tú. Poco, थोड़ा. Mi alumno habla muy poco. मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो तालिबे इल्म है, वो बहुत कम बोलता है. Mi alumno habla muy poco. Mucho, ज्यादा. Voy mucho al cine, pero muy poco al teatro. मैं सिनेमा बहुत ज्यादा जाता हूँ. Voy mucho al cine, pero, लेकिन मुई पोको अल तियात्रो, थिएटर बहुत ही कम जाता हूं। तोदो सब कुछ या तमाम, ते कॉम्प्रो तोदो एल मटेरियल, ते कॉम्प्रो तुमसे खरीदता हूं, तोदो एल मटेरियल सारे का सारा मटेरियल, ते कॉम्प्रो तोदो एल मटेरियल, नादा कुछ भी नहीं, नो मे गुस्ता नादा एस्ते जर्से, नो मे गुस्ता नादा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है este jersey y el jersey. Solo, sirf, solo quiero 1 kilo de patatas. Mujhe sirf alu ka 1 kilo chahiye, ya 1 kilo alu chahiye. Solo quiero 1 kilo de patatas. Apenas, bamushkil, apenas tendrá 19 años. Bamushkil hi uske 19 saal ka hogo. Matlab bamushkil hi अगर आप किसी की बात कर रहे हैं और वो बड़ा आपको लग रहा है उम्र से, तो आपने उसकी एज बतानी है और समझ लें कि मैक्सिमम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो
19 ईयर्स हैं तो आप कह सकते हैं अपेनास तेंद्रा डेसिनुवे आन्योस, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है, अपेनास तेंद्रा डेसिनुवे आन्योस। पर ciento, परसेंट, el 30% de la población tiene coronavirus, 30% जो अवाम है, जो पॉपुलेशन है, उसको कोरोना वायरस है। El 30% de la población tiene corona। जनवरी, जनवरी को स्पैनिश में कहते हैं एनेरो, एनेरो। फरवरी, फरवरी को कहते हैं फेब्रेरो, फेब्रेरो। मार्च, मार्सो, मार्सो। जेड जो होगा वो से की आवाज से होगा, मार्सो। अप्रैल, अब्रील, अब्रील। मई, मायो, मायो। जून, खूनियो, खूनियो। जुलाई, खुलियो, खुलियो। अगस्त, अगोस्तो, अगोस्तो। सितंबर, सेप्टेम्बरे, सेप्टेम्बरे, सेप्टेम्बरे। अक्टूबर, अक्टूबरे, अक्टूबरे। नवंबर, नोविएम्ब्रे, नोविएम्ब्रे, नोविएम्ब्रे। दिसंबर, दिसंबरे, दिसंबरे, दिसंबरे। और अब चलते हैं स्पैनिश में हफ्ते के दिनों के नाम, लॉस डियास दे ला सेमाना एन एस्पान्योल। सोमवार, लूनेस, लूनेस। मंगल, मार्तेस, मार्तेस। बुध, मियरकोलेस, मियरकोलेस। जुमेरात, खुएबेस, खुएबेस। जुमा, बियरनेस, बियरनेस। हफ्ता, साबादो, साबादो। इतवार, डोमिंगो, डोमिंगो। हमारी जिसको टीबी हम कहते हैं, इसको स्पानिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। मी अमिगो तीने ट्यूबरकुलोसिस, मी अमिगो तीने ट्यूबरकुलोसिस। सांस वाली नालियों की जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ब्रोंकीटिस, ब्रोंकीटिस, ब्रोंकीटिस। और लकवे को कहते हैं त्रिस्मो, त्रिस्मो। कान पेड़े जो पड़ते हैं उनको कहते हैं पापेरास, पापेरास। मिर्गी, एपिलेप्सिया, मिर्गी, एपिलेप्सिया। बवासीर की जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एमोरोइडेस, एमोरोइडेस। फोड़ा, जो भी आपके जिस्म पे कहीं भी निकले उसको कहते हैं यागा, यागा। छाला, जो कि जिसकी आपको तस्वीर नजर आ रही है इस तरह का, इसको कहते हैं आम्पोया, आम्पोया। जो पेचिस लगते हैं उनको कहते हैं डियार्रेया, डियार्रेया।
नींद ना आना, मुझे नींद नहीं आती, टेंगो इंसोम्नियो, या नींद का ना आना, अपनी बात ना करनी हो तो वैसे किसको इसका लफ्ज़ है तेनेर स्वेनियो, तेनेर क्योंकि एक वर्ब है तो उसमें हम इसको अपने लिए इस्तेमाल, टेंगो इंसोम्नियो, मुझे नींद नहीं आ रही, तेनिया स्वेन इंसोम्नियो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तेनेस इंसोम्नियो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, या मतलब पूछने के लिए आप कह सकते हैं तेनेस इंसोम्नियो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। यरकान, यरकान को कहते हैं इक्तेरिफिया, इक्तेरिफिया। कब्ज़ को क्या कहते हैं एस्ट्रेंजिमेंटो, एस्ट्रेंजिमेंटो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो ट्राई करें, एस्ट्रेंजिमेंटो। दिल की धड़कन को कहते हैं लातिडो दे कोरासोन, या पुल्सो भी कहते हैं, लातिडो दे कोरासोन या पुल्सो। हिचकी जो लगती है हमें उसको कहते हैं ईपो, ईपो। तेजाबियत, जो मेदे की तेजाबियत होती है उसको कहते हैं एसिडेस दे स्टोमागो, एसिडेस दे स्टोमागो, एसिडेस दे स्टोमागो। बदहजमी इसको कहते हैं इंडिजेस्टियन, इंडिजेस्टियन। छाइयां जो कि चेहरे पे आमतौर पे पड़ती हैं उनको कहते हैं पेकास, पेकास। हैजा ये जो मेदे की बीमारी होती है इसको कहते हैं कोलेरा, कोलेरा। दमा ये जो सांस की बीमारी होती है इसको कहते हैं आस्मा, आस्मा। शुगर इसको कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज। खून की कमी, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, एनीमिया। लंगड़ा जो बंदा सही तरह से चल ना सके उसको कहते हैं कोहो, कोहो। अंधा जो देख नहीं सकता उसको कहते हैं सीएगो, सीएगो। जो एक आंख से देख सकता है उसको कहते हैं तुएर्तो, तुएर्तो। तोतला जो सही तरह से बोल नहीं सकता उसको कहते हैं तारतामुदो, तारतामुदो। बहरा जो सुन नहीं सकता उसको कहते हैं सोर्दो, सोर्दो। गूंगा जो के बिल्कुल बोल नहीं सकता उसको कहते हैं मूदो, मूदो। गंजा हालांकि ये बीमारी, खैर बीमारी भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं काल्बो, काल्बो। क्या करना या आप कह सकते हैं उल्टी करना तो उसको कहते हैं बोमितार, बोमितार। उल्टी आना तेनेर बोमितोस, लेकिन इस एक्शन को कहते हैं बोमितार। और वैसे जो उबाक आते हैं उनको कहते हैं नाउसियास, नाउसियास। चक्कर आना आने को कहते हैं मारियार, मारियार। और ये जो चक्कर होता है अगर एक ही उसी लफ्ज़ को आप सिर्फ उसको कहना हो तो उसको कहते हैं मारेओ, तेंगो मारेओस, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और इसका जो वर्ब है वो है मारियार। कले पढ़ना होता है जो जो गर्दन का जो दर्द होता है इसको कहते हैं दोलोर दे गार्गंता, दोलोर दे गार्गंता। खसरा सारम्पियन, सारम्पियन। पीप
ये जो किसी भी जख्म में पड़ जाती है या किसी भी जगह पड़ जाती है तो उसको कहते हैं पूस, पूस, तेनेर पूस, पीप, पड़ जाना या होना। खून बहने को कहते हैं सांग्रार, सांग्रार। एड्स, ये जो बीमारी है ट्रांसमिशन सेक्सुअल की, इसको कहते हैं सीदा, सीदा। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एड्स ही है, लेकिन ये जो क्योंकि एड्स इंग्लिश का लफ्ज़ है और सीदा स्पेनिश का है तो वो ही लफ्ज़ हैं, लेकिन उनकी तरतीब जो है ना वो आगे पीछे है। सीदा। पाँव में मोच, जब भी आप चल रहे हैं तो आपका पाँव जो है फिसल जाता है तो उसको कहते हैं एसगिन से, एसगिन से। जुकाम, जुकाम लगने को कहते हैं रेस्फ्रियादो, रेस्फ्रियादो। बुखार, फीब्रे, फीब्रे। और जो जुकाम भी हो, बुखार भी हो और सर दर्द भी हो तो फिर उसको कहते हैं ग्रीपे, ग्रीपे। खांसी जुकाम, उसको कहते हैं कतारो, मतलब जब आपको खांसी लगी हो और उसके साथ मतलब जुकाम भी हो, बलगम भी बहुत ज़्यादा उसमें हो तो उसको कहते हैं कतारो। और सिंपल जो खांसी होती है उसको कहते हैं तोस, तोस। पेशे से जो कि है पानादेरो। पानादेरो किसको कहते हैं? पानादेरो कहते हैं बेकर को। पान स्पेनिश में कहते हैं ये जो ब्रेड होती है जिस खाने वाली इसको, और पानादेरो कहते हैं जो मतलब उस ब्रेड को, उस पान को बनाता है, या वैसे जो है ना पानादेरी या पे जो भी चीजें बनती हैं वो बनाता है उसको कहते हैं पानादेरो। अगला लफ्ज है मारिनेरो। मारिनेरो कहते हैं, जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, मार से शुरू हो रहा है तो ये समंदर से ही रिलेटेड है, मलाह को कहते हैं मारिनेरो। डॉक्टर, डॉक्टर को कहते हैं मेडिको, भी डॉक्टर को कहते हैं। अगला लफ्ज है हमारे पास त्रादुक्तोर। त्रादुक्तोर कहते हैं जो ट्रांसलेटर हो, जो मतरजम, आपकी तर्जमानी करता है, जो आपकी बात को ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं त्रादुक्तोर। अगला लफ्ज है कारपिंतेरो। कारपिंतेरो कहते हैं कारपेंटर को, या जो लकड़ी का काम करता है उसको कहते हैं कारपिंतेरो। अगला लफ्ज है सापातेरो। सापातेरो किसको कहते हैं? मोची को, या जो जूते ठीक करता हो या बनाता हो उसको कहते हैं सापातेरो। सापा तो बूट जूती, और सापातेरो जो उसको बनाता है या ठीक। अगला लफ्ज टेराटेनिएंटे। टेराटेनिएंटे कहते हैं जो जमींदार हो, जिसकी बहुत ज्यादा जमीन हो और वो अपनी जमीन जो है वो काश्त करता हो या जो भी उसके साथ करता हो, लेकिन एले चौधे के उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो इसलिए वो जमींदार हुआ, तो जमींदार को कहते हैं टेराटेनिएंटे। अगला लफ्ज है हमारे पास पायासो। पायासो ये जो मदारी होता है या जोकर जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं पायासो। पेलुकेरो। पेलुकेरो कहते हैं हजाम को, या बारबेरो भी उसको कहते हैं, जिससे हम अपने जो है ना बाल वगैरह जो कटवाते हैं तो उसको कहते हैं पेलुकेरो, और जिस जगह पे वो बाल काटता है उसको कहते हैं पेलुकेरिया। अथलेता। अथलेता कहते हैं जो एक एथलीट होता है उसको, और यहाँ पे आप इस यहाँ पे एथलीट की जगह पे खिलाड़ी भी कह सकते हैं। एक खिलाड़ी जो है ना वो अथलेता ही होता है, चाहे वो किसी गेम का भी हो। पॉलिटिको, ये जो सियासतदान होते हैं उनको कहते हैं पॉलिटिकोस। एक सियासतदान पॉलिटिको, और ज्यादा पॉलिटिकोस। और ये मैंने शुरू में मुझे बता देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया, ये जिनके एंड पे ओ लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये हम मुजक्कर की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ए लगा दें तो ये मोनस बन जाएगा, ठीक है? औरत के लिए पोलिटिका, मर्द के लिए पोलिटिको, हर एक लफ्ज में। मागो, मागा। मागो किसको कहते हैं? ये जो जादूगर होता है उसको कहते हैं मागो। पिंटोर। पिंटोर कहते हैं रंग करने वाला, पेंटर आप कह सकते हैं या रंग साज कह सकते हैं। अगला लफ्ज पेस्कादोर। पेस्कादोर कहते हैं माहीगीर को, जो मछलियां पकड़ता है उनको उसको कहते हैं माहीगीर। और फेबरे। और फेबरे कहते हैं सुनार को, और फेबरे वो शख्स होता है जो सोना
सोने की चीजें बनाता है, या उसको भी आप कह सकते हैं जो कि सोना पिघला के उसको अपनी असल हालत में लाता है, उसको कहते हैं ओरफेब्रे। सुनार, वेंडेदोर अम्बुलांते, वेंडेदोर अम्बुलांते कहते हैं वो आदमी जो के एक जगह अपनी रेडी से बने रेडी लगाता है, वहां बेचता है, फिर दूसरी जगह भी जाता है वहां बेचता है। मतलब उसकी एक तीन फीसी कहीं एक जगह पे नहीं होती। जो बंदा एक जगह पे चीजें बेच के दूसरी जगह पे जाता है, वहां से तीसरी जगह पे जाता है, उसको कहते हैं वेंडेदोर अम्बुलांते, फेरी वाला कह सकते हैं आप इसको। होयेरो, होयेरो कहते हैं सुनार को एक मरतबा फिर। लेकिन जो ओरफेवरे था वो, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ओरफेवरे क्या करता है, जो सोना है उसको असल हालत में लाता है ताकि वो बेचा जा सके या उससे चीजें बनाई जा सके। और होयेरो वो होता है जो सोने की चीजें या कोई भी इस तरह की जो है ना वो कीमती चीजें जो बेचता है उसको कहते हैं होयास होती हैं, जो उनको जो बेचता है उसको कहते हैं होयेरो। अबोगादो, अबोगादो कहते हैं वकील को। कंडक्टर, कंडक्टर होता है ड्राइवर। एनफर्मेरा, एनफर्मेरा कहते हैं नर्स को। पोएता, पोएता कहते हैं शायर को। फोंटानेरो, फोंटानेरो होता है प्लम्बर, ये जो टूटियां वगैरह ठीक करते हैं उनको कहते हैं फोंटानेरोस। एल पोलिसिया या ला पोलिसिया, ये पोलिसमैन या पोलिस वोमैन। पास्टोर, पास्टोर कहते हैं चरवाहा। प्रोफेसर ओ माएस्ट्रो या प्रोफेसोरा ओ माएस्ट्रा, उस्ताद टीचर। शास्त्रे, शास्त्रे कहते हैं दर्जी को, शास्त्र। पेरियोडिस्ता, पेरियोडिस्ता कहते हैं सहाफी को। सिरुखानो, सिरुखानो होता है सर्जन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको कहते हैं सिरुखानोस। आउटोर, आउटोर होता है मुसन्नफ, कोई भी चीज लिखने वाला। आउटोर, अगर मैं एक बुक जो है ना वो लिखता हूँ और एंड पे लिखता हूँ एल आउटोर वक असक्रम, तो इसका मतलब है मैं इस बुक का मुसन्नफ हूँ, मैंने लिखी है। अक्टर, अदाकार, एक्टर, शाहरुख खान। मेंदीगो, मेंदीगो कहते हैं फकीर को, फकीर मांगने वाला, मेंदीगो। कार्निसेरो कसाई, कोसिनेरो बाबरची, डिटेक्टिवे सुराग रसा, जो सुराग रसा, ये भी मेरा अपना लफ्ज नहीं है, इतना मुश्किल लफ्ज जो है ना वो मेरे से मेरी वोकाबुलरी में नहीं नहीं होता, ये जो है ना ये गूगल ट्रांसलेटर से निकला है। सुराग रसा, डिटेक्टिव जो डिटेक्टिवे, पर्दन, डिटेक्टिवे जो कि किसी भी चीज का सुराग लगाने के लिए हम उसको कहते हैं, ये काम तुमने मतलब करना है, किसी को पता ना चले ये फला बंदा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा और मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, तो वो है मेरा डिटेक्टिव। डेंटिस्टा, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट। खार्डिनेरो माली। अल्फारेरो, अल्फारेरो कहते हैं कुम्हार को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कहते हैं अल्फारेरोस। कार्तेरो, कार्तेरो ये अगर आप घर में होते हैं और बहुत ज्यादा खास तौर पे सुबह के टाइम आपकी बेल टी टी करती है और आगे से हमेशा ये होता है कार्तेरो, चाहे आपका लेटर हो या ना हो, क्योंकि उनको पता होता है पाकिस्तानी कोई ना कोई घर में जरूर होता है, तो हमेशा वो हमारी आके जो है वो बेल जो है वो बजा देते हैं, तो इसको कहते हैं डाकिया, डाकिया कार्तेरो। एस्कुल्टोर, एस्कुल्टोर होता है जो मुजस्मा बनाते हैं, एस्कुल, एस्कुल्टोर मुजस्मा साज। इलेक्ट्रिसिस्टा, इलेक्ट्रिसिस्टा कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को, जो बिजली का काम करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिस्टा। इंजीनियरो, इंजीनियर होता है इंजीनियर। एर्रेरो, एर्रेरो कहते हैं लोहार को, जो लोहे का काम करता है, लोहे को लोहे से काटता है उसको कहते हैं लोहार, एर्रेरो। किरोमांटिको, किरोमांटिको कहते हैं वो आदमी जो कि आपका हाथ देख के बता सकता है कि आपकी किस्मत में कितना रुपया है, कितना पैसा है, और वो आपका फ्यूचर भी आपको बता देता है कि खास तौर पे हमेशा जब जब भी आपको हाथ देखते हैं तो कहते हैं ये तुम्हारी शादी वाली लाइन है, ये दो हैं तुम्हारी दो ही शादी होंगी,
तो ऐसे लोगों को जब वो आपका हाथ देखे तो आप उनको कहें अरे सुन की रोमांटिको, मतलब जो आपका हाथ देख के आपके फ्यूचर का बता सकता है, हाथ देखने वाला की रोमांटिको। क्लेरिको, क्लेरिको कहते हैं पादरी को। काखेरो, काखेरो कहते हैं ये जो खजांची, ये भी फिक्स जो है लफ्ज है, मैं आपको बताता हूँ। काखेरो वो होता है जो जब आप मिसाल के तौर पर बैंक में जाते हैं तो एक टेबल लगाता है जहां पे देखें धीरे तौर दे बैंक, और जो आपसे पैसे लेता है, आपके पैसे जमा करता है, आपकी कॉपी पे वो नोट करता है, उसको कहते हैं काखेरो। या जो सुपरमार्केट्स में जो आपसे आपका सामान जो है ना वो काहे से गुजारते हैं और आपसे पैसे लेते हैं, उसको भी कहते हैं काखेरो। काखे पे काम करने वाला काखे। फ्लोरिस्ता, फूल फरोश, जो फूल बेचते हैं, जो फ्लोरिस्टेरिया पे काम करते हैं, फूल बेचने वाली शॉप्स पे काम करते हैं, उनको कहते हैं फ्लोरिस्ता। मूसी को कहते हैं मोसीकार को। वैसे कंतनते कहते हैं गाने वाले को, ये मूसी को समझ लें जो म्यूजिक बनाते हैं उनको कहते हैं कंतनते। एक लफ्ज का इजाफा कर लें, कंतनते जो कि मेरी लिस्ट में नहीं है, वो कंतनते कहते हैं सिंगर को, गाने वाले को, और मौसीकार म्यूजिक बनाने वाला, मूसी को। पोर्टेरो, पोर्टेरो कहते हैं ये जो चौकीदार होता है उसको, पोर्टेरो चौकीदार। एल सेरेब्रो कहते हैं दिमाग को। लोस नर्वियोस असाब। ला गार्गंता गर्दन को कहते हैं। क्वेयो गर्दन का बाहर वाला हिस्सा है उसको, मतलब यहाँ पे आपने ये भी अपने जहन में क्वेश्चन तो किया होगा कि गर्दन को तो क्वेयो कहते हैं, क्वेयो होता है हमारा बाहर वाला हिस्सा, और इसके अंदर वाले हिस्से को कहते हैं ला गार्गंता। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने कहना है कि मेरा गला दर्द कर रहा है, तो आपने कहना है मैं दुएले ला गार्गंता, मैं दुएले क्वेयो नहीं कहना, तो गर्दन का अंदर वाला हिस्सा ला गार्गंता। ये जो सांस की नालियां होती हैं इनको कहते हैं लारिंखे, ये यहां से यहां तक जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं लारिंखे, और जो उससे नीचे हिस्सा जाता है उसको कहते हैं त्राकिया। लारिंखे ऊपर वाला हिस्सा सांस की नालियों का, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं त्राकिया। लोस पुलमोनेस कहते हैं फेफड़ों को, फेफड़े लोस पुलमोनेस। कस्पी जो नालियां होती हैं उनको कहते हैं लॉस ब्रोंकियोस, ये जो हमारे फेफड़ों के अंदर ये जो नालियां होती हैं इनको कहते हैं लॉस ब्रोंकियोस। एल कोरासोन कहते हैं दिल को। शरियाने लास आर्टेरियास दिल से खून जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेके जाती हैं, और जो नालियाँ हमारे जिस्म से दिल की तरफ खून वापस लाते हैं उनको कहते हैं लास बेनास रगें। शरियानिये लास आर्टेरियास रगें लास बेनास। जो पहले वाली हैं जो हमने देखी हैं वो दिल से खून जिस्म की तरफ लेके जाती हैं, और लास बेनास जो होती हैं ये जिस्म से दूसरे हिस्सों से दिल की तरफ खून खून जो है ना वो लाती हैं। एल एस्टोमागो, मैदे को कहते हैं एल एस्टोमागो। एलीगादो ये कहते हैं जिगर को, एलीगादो। लास कोस्टियास पसलियां। लॉस रिन्योनेस कहते हैं गुर्दों को, गुर्दे लॉस रिन्योनेस। लास पांक्रियास लबलबा, ये जो हमारे जिस्म की ये जो बड़ी हड्डियां होती हैं इनको कहते हैं एल फेमूर रान की हड्डी, और ये जो नीचे टांगों वाली हड्डी होती है इसको कहते हैं लातीबिया पंडली की हड्डी, लातीबिया।
El intestino grueso. El intestino grueso que tiene बड़ी आंत को. और el intestino delgado que tiene छोटी आंत को. छोटी, यहाँ पे शायद छठी लिखा हुआ है. छोटी आंत को कहते हैं el intestino delgado. ये हमारा मैदा होता है और उसके साथ ये बड़ी आंत, इंटेस्टिनो ग्रुएसो और इंटेस्टिनो डेलगाडो, ये जो उसके दरमियान होता है. तो ये वाला जो हिस्सा होता है बड़ी आंत के साथ एंड पे, ये होती है हमारी जो पेंडस की नाड़, जिसको नाली जिसको हम कहते हैं. ये जब ज़्यादा मोटी हो जाती है तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, या जब ये फट जाती है तो इसको कहते हैं स्पेनिश में एल अपेंडिसे. एल अपेंडिसे. एल मूसलो, पट्ठे. एल मूसलो मसल्स को एल मूसलो कहते हैं. ये हमारा सारा जो ढांचा होता है उसको स्पेनिश में कहते हैं एल एस्केलेटो. एल एस्केलेटो ढांचा. और ला आर्टिकुलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लफ्ज़ ला आर्टिकुलेशन. ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं. यहाँ पे एक लिक्विड टाइप सा होता है और ये सारे इस जोड़ को कहते हैं ला आर्टिकुलेशन. ला आर्टिकुलेशन. क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स कहते हैं हमारे ये जो मसल्स होते हैं टांगों के ऊपर, घुटने के ऊपर ऊपर, इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स. रान के चौड़े पट्टे, क्वाड्रिसेप्स. और ये जो हमारा कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं ला कादेरा. ला कादेरा कोले. ला काजा तोरासिका. ला काजा तोरासिका, ये जो पसलियों का ये सारा जो हजूम होता है इस सारे को कहते हैं ला काजा तोरासिका, पसलियों का पंजर. ला कोलुमना वर्टेब्रल. ला कोलुमना वर्टेब्रल कहते हैं हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको. एल क्रानियो, खोपड़ी को कहते हैं एल क्रानियो. लोस ओवारियोस कहते हैं अंडे दानिया, जो ख्वातीन में होती हैं उनको कहते हैं लोस ओवारियोस. एल उतेरो कहते हैं बच्चेदानी को. एल उतेरो बच्चेदानी. और ये वो हिस्सा है जिसका मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों के साथ जिक्र किया था. तो ये समझ लें हमारे जिस्म के जो डिफरेंट किस्म के मजमूए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं. ये जो हमारे बाजू होते हैं इनको कहते हैं मीम्ब्रो सुपेरियोरेस. क्वेयो, ये वैसे ही जैसे इसको बोला जाता है ला कावेसा, सर को. क्वेयो, ये जो गर्दन वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी हिस्सा यहाँ तक होता है इसको कहते हैं क्वेयो. मेम्ब्रो सुपेरियोरेस, आपके शोल्डर, आपके बाजू. एल टोराक्स, ये वाला चेस्ट वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं एल टोराक्स. एब्डोमेन, ये सारा पेट वाला हिस्सा. और पेल्विस, ये जो नाफ के नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं पेल्विस. और मेम्ब्रोस इंफेरियोरेस, ये मतलब हमारा जो कादेरा होता है उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं मियम्ब्रोस इंफेरियोरेस, मतलब मसल्स यहाँ वाले घटने टखने पाँव ये सारे हो जाते हैं, इनको कहते हैं मियम्ब्रोस इंफेरियोरेस. हमारे पास ई, ई का मतलब है और, जैसा कि इंग्लिश में एंड, और इसको हम जुमले में जब भी कोई चीज ऐड हम करना चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि तेंगो उन लिब्रो ई उम बोलीग्राफो, मेरे पास एक बुक है और एक पेंसिल भी। अगला लफ्ज हमारे पास पेरो, पेरो का मतलब है लेकिन, और लेकिन हम यूज करते हैं जब कोई बात हम करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसके उल्ट करना होता है तो हम कहते हैं पेरो ये होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास मी मोतो इस मुई बोनीता, मेरी मोटरसाइकिल या बाइक हमारी मेरी बहुत खूबसूरत है, पेरो लेकिन मे गुस्ता मास एल कोचे, मुझे ज्यादा पसंद में गाड़ी है या मुझे गाड़ी ज्यादा पसंद है। ओ के मानी है या, इंग्लिश में ओ आर, और
इसको हम यूज करते हैं सोलो पुएदेस कॉम्प्रार उना कोसा, तुम सिर्फ एक चीज खरीद सकते हो, चोकोलाते ओ एलादो, चॉकलेट या आइसक्रीम, चोकोलाते ओ एलादो। Tal como, jaisa que. Tu hermano es tal como me describiste. Tumhara bhai bilkul aise hi hai jaisa que tumne mujhe describe kiya tha ya uski matlab mujhe shakal batayi thi. Tu hermano es tal como bilkul waise hi jaise tumne mujhe bataya tha. Porque का मतलब है जब ये इकट्ठा होता है, क्योंकि एक पोरके होता है जो सेपरेट होता है, पोर और के दरमियान वक्फा होता है, लेकिन ये जो इकट्ठा होता है इसका मतलब होता है क्योंकि। जुमले में इस्तेमाल करते हैं नो वोय आ इर अल ट्राबाजो, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, नो वोय आ इर अल ट्राबाजो पोरके एस्टोय एन्फेर्मो, क्योंकि मैं बीमार हूं। नी का मतलब होता है ये भी नहीं। नो मे गुस्ता ला मंसाना नी ला पेरा, मुझे सेब पसंद नहीं और ना ही पेरा नाशपाती। असी के इस तरह। नो मे केदा अरोस, असी के तेंद्रे के ईर आ कॉम्प्रार, मेरे पास चावल नहीं बचे। नो मे केदा अरोस, असी के तेंद्रे के ईर आ कॉम्प्रारलो o a comprar, इस तरह या इस वजह से मुझे खरीदने जाना होगा। todavía, todavía का मतलब होता है अभी तक। todavía estás a tiempo de pedir perdón, अभी तक तुम्हारे पास टाइम है कि तुम माफी मांग लो, या अभी तक तुम टाइम पे हो माफी मांगने की। todavía estás a tiempo de pedir perdón। और aún, aún का भी मायने है अभी तक, जिस तरह todavía ये दोनों सेम ही है, तो इसको भी हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। aún no tengo el carnet de conducir, aún अभी तक, no tengo मेरे पास नहीं है el carnet de conducir, ड्राइविंग का कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। a pesar de, इसके बावजूद। A pesar de llevar muchos años en España, स्पेन में बहुत ज्यादा साल होने के बावजूद, no habla español, वो स्पैनिश नहीं बोलता। A pesar de llevar muchos años en España, no habla español. Aunque, aunque का मतलब होता है अगरचे। Aunque no estaba de buen humor, यहाँ पे एंड पे आर जो है ना वो डिलीट हो गया शायद, या मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे आर एंड पे उमोर। Aunque no estaba de buen humor, बेशक वो अच्छी मूड में नहीं था, me atendió bien, उसने मुझे अच्छी तरह से अटेंड किया या मुझे सुना। Aunque no estaba de buen humor, अगरचे वो अच्छे मूड में नहीं था, me atendió bien, मुझे उसने अटेंड सही किया। En vez de का मतलब होता है इसके बजाय। Tenías que haber venido esta mañana en vez de venir ahora. Tenías que haber venido. Tumhe a jana chahiye tha. Tenías que haber venido esta mañana, आज सुबह के टाइम, en vez de venir ahora, इस वक्त आने के बजाय। Tenías que haber venido esta mañana en vez de venir ahora. Para qué mani hai, que liye. Este regalo es para mi madre. Ye jo tohfa hai, ye meri maa ke liye hai. Este regalo es para mi madre. Porque, ye wo dusra hai, kyunki pehle maine aapko bataya tha porque jo ikattha hota hai uska matlab hota hai kyunki, aur ye jo separate hota hai aur tilde hoti hai a ke upar, to ye hota hai porque. Porque ke mani hai kyun. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Tum der se kyun pohnche? ¿Por qué? ¿Kyun? ¿Has llegado tum pohnche tarde der se? Sin embargo, ¿qué mani hai? Iske bawajood, jaisa ke a pesar de, humne pehle dekha hai,
तो इसको हम जुमले में कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, ते हेचो एल मेहोर रेगालो, मैंने तुम्हें किया है, ते हेचो एल मेहोर रेगालो, बेहतरीन तोहफा। सिन एम्बार्गो मे लो हास रेचाजादो, इसके बावजूद तुमने मुझे वो रेचाजार कर दिया है या उसको वापस कर दिया है या उस वो तुम्हें पसंद नहीं आया। सिन एम्बार्गो इसके बावजूद, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे बेहतरीन तोहफा दिया था, इसके बावजूद तुम्हें वो पसंद नहीं आया या तुमने वो वापस कर दिया है। मे लो हास रेचाजादो। एन कॉन्क्रेटो ये होता है मखसूस या खासकर। वोई आइर आ त्रेस पाइसेस, मैं तीन ममालिक को जाऊंगा। वोई आइर मैं जाऊंगा आ त्रेस पाइसेस तीन ममालिक को। एन कॉन्क्रेटो मखसूस या वो ये हैं या खासकर इटालिया अलेमानिया ई स्विट्जरलैंड। जब मैंने तीन ममालिक कहा था तो मैंने कोई किसी एक का नाम नहीं लिया, तो जब मैं कहूंगा इन कॉन्क्रेटो अलेमानिया इटालिया ई स्विट्जरलैंड। आस्ता, आस्ता के मायने है जब तक। ते वोय आ एस्पेरार आस्ता लास 9, मैं तुम्हारा वेट करूंगा 9 बजे तक। ते वोय आ एस्पेरार आस्ता लास 9। देस्ते जब से, मतलब किस, ये लिमिट होती है किस टाइम से, देस्दे और किस टाइम तक, आस्ता तो देस्दे होगा। देस्दे क्वांडो एस्टास एन एस्पाना, तुम कब से स्पेन में हो। यहाँ पे शुरू कब से किया, आस्ता का मतलब होता है एंड कब है। देस्दे क्वांडो एस्टास एन एस्पाना, तुम किस टाइम से या किस दिन से या किस साल से स्पेन में हो। मिएंट्रास तांतो इस दौरान में, Los niños están jugando en el parque, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। Los niños बच्चे están jugando खेल रहे हैं, en el parque पार्क में। Mientras tanto इस दौरान, sus padres उनके वालदैन están en el bar, वो एक बार में हैं, tomando café कॉफी पी रहे या ले रहे। En pocas palabras मुख्तसरन, tengo dos coches मेरे पास दो गाड़ियां हैं। Tres motos, तीन मोटरसाइकिल, un camión, एक ट्राला। En pocas palabras, मतलब खुलासतन, tengo muchos vehículos, मेरे पास बहुत ज्यादा vehículos हैं या गाड़ियां हैं, मतलब दो कारें हैं, तीन मोटर्स हैं, एक ट्राला है। तो बजाय ये कहने के एंड पे मैं कहता हूँ en pocas palabras tengo muchos vehículos। También भी या ये भी, Mi padre ha trabajado en la construcción y también en una fábrica. Mi padre, मेरे बाप ने, ha trabajado, काम किया है, en la construcción, construction में, y और también en una fábrica, और एक फैक्ट्री में भी। También का मतलब है, मतलब जो मैंने पहले किया है उसके साथ ये ऐड किया, también इसके साथ या ये भी है। Incluso यहां तक के, todos han ido a ver el partido, सब के सब मैच देखने चले गए। Incluso los ancianos, यहाँ तक के बुजुर्ग भी। Todos han ido a ver el partido, incluso los ancianos. No obstante, ताहम, el color con el que pintaste la pared, वो रंग जिसके साथ तुमने दीवार को रंग किया है, वो कलर जिसके साथ तुमने दीवार को रंग किया है, इस पोको अबितुअल, ये इतना, मतलब ये गैर मामूली है, पोको अबितुअल। नो ऑब्स्टांते ताहम रेकोनोस्को, मैं मानता हूं कि केदा मुई बियन, कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। केदा मुई बियन, कि लग रहा है अच्छा या बहुत अच्छा। सी ये जैसा कि इंग्लिश में इफ, अगर। सी तुबियरा मास टिएम्पो लिब्रे, अगर मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम हो, व्याहरिया पोर तोदो एल मुंदो, मैं सारी दुनिया का विजिट करता या सफर करता या घूमता। सी तुबियरा मास टिएम्पो लिब्रे, अगर मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम होता, व्याहरिया पोर तोदो एल मुंदो, सारी दुनिया का मैं विजिट करता। पोर लो तांतो इस तरह, हास हेचो मुई बियन लोस एक्सरसिसियोस, तुमने जो एक्सरसाइज हैं, जो होमवर्क है, बहुत अच्छा किया है। y por lo tanto इस तरह, estás aprobado, तुम पास हो। Has hecho muy bien los ejercicios y por lo tanto estás aprobado. Para mí, मेरे ख्याल से या मेरे लिए या मेरे
मेरे ओपिनियन में पारा मी मेरे ख्याल से या मेरे लिए Juan es un buen mecánico. Juan es un bohot acha mecánico. Para mí, Juan es un buen mecánico. Además, iske ilawa. Pablo es mi vecino. Pablo mera hamsaya hai desde hace 5 años, 5 saal se. Además, iske ilawa, es mi mejor amigo. Wo mera best friend hai. Por eso, is wajah se. No tengo coche, mere paas gaadi nahi hai, por eso is wajah se voy andando, main paidal ja raha hoon ya jata hoon. O sea, mera matlab hai. El Real Madrid ha ganado 35 partidos. Real Madrid ne 35 matches jeete hain. O sea, solo ha perdido uno, mera matlab hai ke wo sirf ek match hara hai. Salidas, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे लफ्ज सालिदास का मतलब होता है यहां से रवानगी होनी है जाने वाला जो टर्मिनल कह लें या जाने वाली जो जगह होती है जहां से जहाज उड़ते हैं उसको कहते हैं सालिदास और जहां आके जहाज उतरते हैं उसको कहते हैं येगादास ये जहाजों के लिए भी इस्तेमाल होता है बसों के लिए भी इस्तेमाल होता है टैक्सीज के लिए भी मतलब सालिदास का जगह Salidas matlab rwangi aur llegadas amant. Facturación. Jab aap airport pe pahunch gaye hain to facturación jab aapko kahin pe nazar aayega to uska matlab hota hai wo jagah jahan pe hum apna saman jama karwate hain usko kehte hain facturación. Saman jama karwana facturar. Mostrador de facturación wo jagah jahan pe hum apna सामान जमा करवाते हैं अगर आपने आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और आपने पता करना है कि मैंने ये सामान जो मैं लेके जा रहा हूं साथ ये कहां पे जमा करवाना है तो हम पूछेंगे दोंदे स्टा एल मोस्ट्रादोर दे फैक्टुरेशन तो वो जाहिर सी बात है हर एक एयरलाइन का अपना अपना डिफरेंट होता है अगला लफ्ज है एकिपाजे एकिपाजे कहते हैं सामान को जो भी अपने सामान आप अपने साथ सामान लेके जाते हैं उसको कहते हैं एकिपाजे एकिपाजे दे मानो हाथ वाला सामान जो हैंडबैग आपके पास होता है उसको कहते हैं एकिपाजे दे मानो बिलेते बिलेते कहते हैं टिकट को पासपोर्ट पासपोर्ट एयरपोर्ट हवाई अड्डा एयरपोर्ट फेचा तारीख ओरा टाइम ओरा दे सालिदा निकलने का टाइम Hora de llegada, pohunchne ka time, número de vuelo, flight ka number, ida, jana, vuelta, wapis aana, ida y vuelta, jab aap ticket lete hain to aapse poochte hain solo ida, matlab sirf jane ki, ya ida y vuelta, jane ki aur wapsi ki bhi. Terminal, terminal, el vuelo, flight, vuelo directo, direct flight, vuelo con escala, jahaz tabdil karna, jab vuelo con escala, wo jahaz hota hai, ya wo flight hoti hai, jo ke aapne raste mein kahin jahaz jisme change karna hota hai, usko kehte hain vuelo con escala clase turista ye jo sasti ticket hoti hai ya economic seat hoti hai usko kehte hain clase turista maleta bag tarjeta de embarque boarding card el control de seguridad security control El control de seguridad. Control de pasaportes. Passport control. Pantalla de información. Information screen ya malumati screen. Puerta de embarque. Puerta de embarque. Boarding gate. Los pasajeros. Musafir,
Las tiendas libres de impuestos. Las tiendas libres de impuestos. Duty free dukane. Jo airports pe aapko dukane duty free dukane hoti hain unko kehte hain. Las tiendas libres de impuestos. Impuestos Spanish mein kehte hain taxes ko. Embarcar jahaz mein sawar hone ka jo amal hota hai usko kehte hain embarcar. Jahaz mein sawar hona embarcar. Isliye wo jo boarding card hota hai usko kehte hain tarjeta de embarque. El motor de avión, jahaz ki motor ya engine. Alas, jo jahaz ke par hote hain unko kehte hain alas. Torre de control, control tower jo hota hai usko kehte hain torre de control. Retrasar un vuelo, parvaz mein taakhir. Jab aap airport pe pahunchte hain aur screen pe likha hota hai retrasado to uska matlab hai ye jahaz ye flight taakhir ka shikar hai. Cancelar un vuelo, flight cancel karna. Megafonía, jo loudspeaker se awaaz aati hai wo hoti hai megafonía ke zariye. El asiento, seat. La ventanilla, खिड़की. जब आप खिड़की वाली सीट लेना चाहते हैं तो कहते हैं quiero un asiento de ventanilla या un asiento con ventanilla. El pasillo, गुजरने का रास्ता. जब जहाज के सेंटर से जहां से गुजरते हैं उसको कहते हैं el pasillo. साइडों पे सीटें होती हैं और दरमियान से गुजरने का रास्ता होता है जिसको कहते हैं el pasillo. El cinturón de seguridad. Seat belt jo hota hai usko kehte hain el cinturón de seguridad. Abrochar hota hai jakadna. Jab aapko kaha jata hai jab jahaz parvaz lene lagta hai ya utarne lagta hai to aapko kehte hain ki apne apne seat belt pehen le to kehte hain abrochar los cinturones. Desabrochar se kholna. Abrochar, band karna cinturón, aur desabrochar, kholna. La tripulación, jahaz ka jo amla hota hai, air hostess, pilots, vagera, inko kehte hain, la tripulación. El piloto, tripulación mein jo pilot hota hai, usko kehte hain, el piloto, o la piloto agar ladki hai. La azafata, hawai safar ki mezban ya air hostess. Salida de emergencia, hangami surat mein nikalne ka rasta. Salida de emergencia. Volar, urna. Terminal de llegada, amad ka terminal ya amad ki jaga usko kehte hain terminal de llegadas. Terminal de salidas, ravangi ki jaga ya terminal. Mal tiempo, kharab mosam. El vuelo se ha retrasado debido al mal tiempo. Kharab mosam ki wajah se jahaz ya flight late hai. Zonas de recogida de equipajes. Zona de recogida de equipajes, apna saman lene ki jagah. Jahan pe hum jab hum pahunchte hain kisi jagah pe aur tumhara jo saman cintas que upar jo char raha hota hai to usko kehte hain zona de recogida de equipajes. El carrito de equipajes, saman uthane wali ready. El carrito de equipajes. Pagar impuestos, tax ada karna. Pagar impuestos. Aduana, custom wala. La oficina de cambio, exchange office. La oficina de cambio. Los baños, baitul khula. La farmacia, do baño ki shop, dukan. Parada de autobús, bus kadda. Dinero, pese. Monedas, sikke. Billetes, note.
tarjeta de crédito, credit card, propina, tip, banco, bank, caro, mehenga, barato, sasta, rebajas, kam kimat par farokht hone wali cheez, desayuno, jab aap jahaz mein aur aapko jo khane diye jate hain unme se subah ke khane ko kehte hain, nashte ko kehte hain, el desayuno, din ka khana, comida, raat ka khana, cena, café, coffee ko kehte hain, té, chai ko kehte hain, sopa, soup ko ya yakhni ko kehte hain, ensalada, salad ko kehte hain, zumo, juice, zumo de, jab aapne kisi khas cheez ka juice chahiye aapko to aap kahenge zumo de naranja, malte ka juice, zumo de fresa, frese ka juice, zumo de mango, aam ka juice, agua mineral, mineral water, sin picante, koi bhi cheez agar aapko mirch ke bina chahiye to aap kahenge sin picante, aur agar com picante matlab mirchon ke sath chahiye to aap kahenge com picante, salsa, chutney, salsa de, aur ye bhi zumo ki tarah agar aapko kisi khas cheez ki chutney chahiye to aap kahenge salsa de mayonesa, salsa de pimientos, jiski bhi aapko chahiye, preguntar direcciones, jab aap kisi se address puchna chahte hain, koi bhi kisi kism ki simat puchna chahte hain to hum ye use karte hain, donde, iska matlab hai kahan, a la derecha, daen janib ko, a la izquierda, baen janib ko, en la esquina, kone mein, seguro de viaje, safri bima, taxi, taxi ko kehte hain, autobus, bus ko kehte hain, tren, train ko kehte hain, parada de taxi, taxi stand ya taxi stop, estación de autobús ya estación de bus, bus stop ko kehte hain, stop yahan pe likha hua hai stop, estación de tren, estación de tren, train station ko kehte hain, yahan pe tres likha hua hai, visitar, ab main aapko jo shuru mein kaha tha verbs ka, ab wo main aapko bataata hu jo ki hum safar ke duran aam taur pe use karte hain, agar aapne batana hai ki main kisi se mulaqat karne ja raha hu to uske liye kaun sa verb use hota hai, visitar, mulaqat karna, alojarse, kisi bhi jagah pe thehrna, yo me alojé en un hotel, main ek hotel mein thehra, alquilar, kiraye pe koi bhi cheez lene ko kehte hain, aterrizar, utarna, jab jahaz zameen pe utarta hai to usko kehte hain aterrizar karna, confirmar, tasdeeq karna, jab aap kisi cheez ki booking karte hain to baad mein usko okay karte hain to isko kehte hain confirmar, okay karna, cancelar, mansoo karna, despedirse, alvida hona ya karna, despegar, uran lena, jab jahaz utarta hai to kehte hain aterrizar, lekin jab urta hai to usko kehte hain despegar, hacer escala, jahaz tabdil karne ko kehte hain, voy a hacer escala en Dubai, Dubai mein main apna jahaz change karunga, marearse, chakkar aana, jab safar ke dauran aapko chakkar aate hain to aap kahenge me estoy mareando, mujhe chakkar aa rahe hain, reservar, reserve karna, reclamar, dava karna, koi bhi cheez aapka jab saman aapka gum ho jata hai to aap jate hain dava karne uska ki aapka saman hai wo aapko mil nahi raha to
तो आप कहेंगे quiero reclamar mi equipaje. शर्मिंदा, avergonzado, avergonzado. Me siento avergonzado. डरा हुआ, asustado, asustado. Besar, aburrido, aburrido. Thaka hua, exhausto, exhausto. Yahan pe aapne ye aise pronounce karna hai ki h yahan pe hai hi nahi. Exhausto. Nagwar, disgustado, disgustado. Guste me ya naraz, enojado, enojado. Guste me ya naraz ke liye hum use kar sakte hain enfadado también, enfadado. Hairat zada, sorprendido, sorprendido. Barham, furioso, furioso. Ghabraya hua, nervioso, nervioso. Khush, feliz, feliz. Udas, triste, triste. Udas ke liye aap deprimido bhi use kar sakte hain, deprimido, deprimido. Buka, hambriento, hambriento. Fikermand, ansioso, ansioso. Puretemad, confiado, confiado. Motjassas, curioso, curioso. Lataluk, indiferente, indiferente. Indiferente tab use hota hai jab kisi bhi kaam ke liye ya cheez ke liye aapko matlab barabari ho ek kaam karna ya dusra, ya ek cheez ko choose karna ya dusri ko choose karna. Indiferente matlab aapke liye ye igual hai ye cheez ya dusri. Puramid, esperanzado, esperanzado. Magrur, arrogante, arrogante. Herán, conmocionado, conmocionado. Purjosh, emocionado, emocionado. Preshan, preocupado, preocupado. Pursakun, aliviado, aliviado. Sust, vago, vago. Mashkur, agradecido, agradecido. Puretamad, confiado, confiado. Uljahua, confuso, confuso. Ya sea en inglés me quedan confused, to Spanish me hoga confuso. Shkistkorda, harahua, derrotado, derrotado. Nafermán, desobediente, desobediente. Hush, contento, contento. Pehle humne dekha hush, alegre, to contento bhi isi ke liye istemal hota hai. Mayus, decepcionado, decepcionado. Hasid, celoso, celoso. Herán, conmocionado,
conmocionado. Sherminda, avergonzado, avergonzado. La batidora que tiene ella, yo. वो एक स्पेनिश में मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि una foto vale más que mil palabras, तो इसका मतलब यह है कि एक इमेजन या एक फोटो एक पिक्चर जो है ना हजार अल्फाज से ज्यादा होती है. तो क्योंकि ये जो उर्दू आपको नजर आएगी आज की वीडियो में ये मतलब मेरी प्रॉपर उर्दू नहीं होगी, ये मुझे एक दोस्त की मदद से जो है ना मैं ये इसको फिल किया है, लेकिन क्योंकि हर लफ्ज के साथ आपको उसकी पिक्चर भी नजर आएगी तो इसलिए समझना आसान हो जाएगा. तो ला बातिदोरा किसको कहते हैं, ये जो ग्राइंडर होती है, जो ब्लेंडर कह लें, मिक्सचर होती है, पीसने वाली जो मशीन होती है, इसको कहते हैं ला बातिदोरा. उसके बाद है ला बातिदोरा दे बासो, वो कौन सी होती है, बातिदोरा जो पिछली लफ्ज में हमने देखा, तो इसमें दे बासो का क्या मतलब होगा, ये जो इसके ऊपर ये जो जग टाइप होता है इसकी वजह से इसको कहते हैं ला बातिदोरा दे बासो. अगला लफ्ज हमारे पास एल बातिदोर, एल बातिदोर कहते हैं ये जो पीटर हमें नजर आ रहा है इसको मिक्स करने वाला आला. यहाँ पे एक मरतबा फिर पिक्चर को देख ही हमें पता चल जाता है कि हम किस जो है ना आले की बात कर रहे हैं, मिक्स करने वाला आला एल बातिदोर, एल बातिदोर. एल फ्रिगोरिफिको या ला नेवेरा, ये दोनों ये जो फ्रिज होता है इससे मुखातब होने के लिए यूज होते हैं, एल फ्रिगोरिफिको भी और ला नेवेरा भी. कुछ जगहों पे फ्रिगोरिफिको कहा जाता है स्पेन में ही और कुछ जगहों पे ला नेवेरा कहा जाता है. ओर्नो ओवन को कहते हैं, मिक्रोओंडास मिक्रोओंडास माइक्रोवेव. एल डेलांटाल, एल डेलांटाल ये जो आपको स्क्रीन फोटो पे नजर आ रहा है ये जो कपड़ों के ऊपर पहना होता है खास किचन में जो कुशिनर वगैरह काम करते वक्त पहनते हैं उसको कहते हैं एल डेलांटाल. कासो, कासो कहते हैं सॉसपैन को, ये हमें आमतौर पे कह लें कि चाय बनाने वाला जिसके लिए जिसको हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं एल कासो. एल कोलादोर दे ते, एल कोलादोर दे ते कहते हैं ये जो छलनी है इसको, टी स्ट्रेनर. और कोलादोर ही हम कहते हैं ये जो बजाय टी स्ट्रेनर के जो नॉर्मल होता है जिसमें हम कोई भी चीज जो है ना वो उससे लिक्विड निकालना होता है तो उसको कहते हैं एल कोलादोर, एल कोलादोर. ओया अप्रेशन, ओया अप्रेशन कहते हैं प्रेशर कुकर को, ओया अप्रेशन. सार्तेन, सार्तेन कहते हैं फ्राई पैन को, सार्तेन. एल तापेर, ये जो लंच बॉक्स होता है खाने का डिब्बा होता है इसको कहते हैं एल तापेर. एल बोल, ये जो प्याला होता है इसको कहते हैं एल बोल. ला कुचारा, खाने का चम्मच ला कुचारा. एल तेनेदोर, कांटा एल तेनेदोर. कुचियो, छुरी कुचियो. लॉस कुबियर्टोस, कुचियो कुचारा तेनेदोर. इसका शायद बहुत आम है, बहुत ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि जब बंदा आता है सबसे पहले जो पहले अल्फाज होते हैं उनमें से एक होता है. लेकिन लॉस कुबियर्टोस जब हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या कोई हमारे रेस्टोरेंट पे आता है तो ये जो एक सेट होता है छुरी कांटे का ये जो सेट आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है इसको कहते हैं लॉस कुबियर्टोस, लॉस कुबियर्टोस. एल कुचारोन, एल कुचारोन ये शोरबा डालने वाला जो चमचा होता है इसको कहते हैं एल कुचारोन. एल प्लाटो, प्लेट को कहते हैं नॉर्मल इसका जो नंबर जेनेरिको है एल प्लाटो. और जो प्लेट होती है इस तरह से सीधी प्लेट जो होती है उसको कहते हैं प्लाटो यानो, प्लाटो यानो स्ट्रेट और फ्लैट प्लेट. और प्लाटो ओंदो होती है जो गहराई वाली प्लेट होती है मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डूंगी प्लेट वो है एल प्लाटो ओंदो, प्लाटो ओंदो गहराई वाली प्लेट. एल रायदोर कद्दूकश करने वाला,
के लिए जो वाला इस्तेमाल होता है, ये जो हमें नजर आ रहा है इसको कहते हैं el rallador. La tetera, ketli, la tetera. La taza, zeta, la taza. La taza que tienen, chai que lie yo piali o tie caputa, usko que tienen, la taza. La jarra que tienen, jagko. El vaso, glass. La taza medidora. La taza, humne piali, piali dekha hai, abhi, thodi der pehle. Aur isme kya extra hai, medidora. तो इसका क्या हुआ, मिकदार की जांच के लिए जो कप इस्तेमाल होता है जिसमें ये मतलब बाकायदा पेमाइश होती है उसको कहते हैं ला ताजा मेडिडोरा. एल पेलादोर, छिलका उतारने वाला जो आला होता है ये जो हमें नजर आ रहा है इसको कहते हैं एल पेलादोर. ला ताबला दे कोर्तार, सब्जी काटने वाली जो तख्ती होती है उसको कहते हैं ला ताबला दे कोर्तार. लास तिजेरास, कैंची, लास टिजेरास. ला स्पातुला, ये जो हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे इसको कहते हैं ला स्पातुला. लोस पाños डे कोसिना, लोस पाños डे कोसिना, ये जो किचन के तौलिये होते हैं इनको कहते हैं लोस पाños डे कोसिना. एल मोर्टेरो, ये जो कुंडी और डंडा होता है इसको कहते हैं el mortero. La esponja, sponge, la esponja. El rodillo, belén, el rodillo. La báscula de cocina, la báscula. Trazu, hum trazu kehte hain de cocina, kitchen wala. Kitchen ke liye jo trazu istemal hota hai usko kehte hain la báscula de cocina. El cortador de huevos, el cortador de huevos, ande carne bala, el cortador de huevos. El lavavajillas, el lavavajillas, bartan done bale mshin, disco que tiene el lavavajillas. La encimera, y ello, kitchen me hisa hota hai, disco que tiene la encimera. La encimera, countertop. Toaster, इसको कहते हैं la tostadora. La tostadora. La servilleta, कहते हैं tissue paper को la servilleta. El congelador, freezer को कहते हैं जो बर्फ वाला हिस्सा होता है उसको el congelador. Congelar होता है किसी चीज का बर्फ बन जाना. Congelador जो बनाता है, जो हिस्सा बनाता है फ्रिज का उसको कहते हैं el congelador, freezer. La cafetera, कॉफी बनाने वाली मशीन, la cafetera. El escurreplatos, el escurreplatos, बर्तन रखने वाली जो टोकरी होती है उसको कहते हैं el escurreplatos. el fregadero कहते हैं sink को. El fregadero. La bandeja, recogate, la bandeja. La vitrocerámica, ye jo bijli wala chulla hota hai, sheeshe ki plate wala isko kehte hain la vitrocerámica. La cocina de gas, ye jo gas wala chulla hota hai isko kehte hain la cocina de gas. El papel de cocina, ye jo टिश्यू पेपर होता है किचन के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है, ये इसी तरह का जो रूला होता है उसको कहते हैं किचन के लिए इस्तेमाल होने वाला टिश्यू उसको कहते हैं एल पापेल दे कोसी. ला एस्पुमादेरा, ये जो आला होता है जिससे हम आमतौर पे फ्राई चीजें करते हैं या तेल से निकालते हैं उसको कहते हैं ला एस्पुमादेरा. एल एक्सप्रीमिडोर, एल एक्सप्रीमिडोर, जो जूस निकालने वाली मशीन होती है माल्टे का आमतौर पे या नींबू का जो जूस निकालती है इसको कहते हैं ला एक्सप्रीमिडोरा. काजा दे सेरिलास, काजा दे सेरिलास, माचिस की डिब्बी. होर्नो दे अर्सिया, होर्नो दे अर्सिया, तंदूर
El abre botellas. Bottle खोलने वाली है. जब भी होती है इसको कहते हैं el abre botellas. El abre botellas. El saca corchos. Corcho होता है ये जो आमतौर पे बॉटल्स में ये जो होता है इसको मतलब घिरार करके इसको निकाला जाता है इस आले के साथ, इसलिए इसको कहते हैं, ये चीज होती है इसको कहते हैं कॉर्चोस. और क्योंकि ये आला इसको निकालता है इसलिए इसका क्या नाम है, एल साका कॉर्चोस. एल साका कॉर्चोस. पिंसा दे कोसीना, ये जो आमतौर पे चिमटा इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं पिंसा दे कोसीना. और अब हम चलते हैं उन फेल की जानिब जो कि किचन में किए जाते हैं, किचन के काम के लिहाज से फेल. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एरबीर. एरबीर कहते हैं उबालने को, एरबीर. मेस्कलार. मेस्कलार कहते हैं किसी भी चीज को मिलाना, यकजा करना या मिक्स करना, उसको कहते हैं मेस्कलार. रेमोवेर. रेमोवेर कहते हैं किसी भी चीज को हिलाने को थोड़ा थोड़ा या चमचा फेरने को, मतलब उसको रेमोवेर करना होता है इसको हिलाना. अमासार. अमासार होता है गूंदना. अमासार गूंदना. आसार. आसार कहते हैं रोस्ट करने को. आसार रोस्ट करना, भूनना. दर्रतीर. दर्रतीर होता है पिघलाना. दर्रतीर. रेबानार. रेबानार कहते हैं टुकड़े करने को किसी भी चीज. खास तौर पे ये इस्तेमाल होता है पान के या ब्रेड के, जब हम टुकड़े करते हैं तो उसको कहते हैं रेबानार. रायार या रायार करते हैं कद्दूकस करने को, रायार. प्रोवार चखना, चेक करना, प्रोवार. एचार कोई भी चीज किसी चीज में डालने को कहते हैं एचार. उन्तार. उन्तार कहते हैं फैलाने को. कोसिनार. कोसिनार कहते हैं कुकिंग करने को, खाना बनाने को, पकाने को. ये एक आमतौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है कोसी. करेला. करेले को स्पेनिश में कहते हैं कालावासा अमार्गा. कालावासा अमार्गा. बंद गोभी. रेपोयो. रेपोयो. फूल गोभी. कोलीफ्लोर. कोलीफ्लोर. शाख गोभी. ब्रोकोली. ब्रोकोली. ये आप देख सकते हैं जिस लेटर के ऊपर ये वाला निशान होता है उसके ऊपर हम जोर देते हैं, इसलिए ये बजाय इसके कि हम इसको ब्रोकोली पढ़ें ये होता है ब्रोकोली. गाजर. सानाओरिया. 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 मिर्च किसी भी किस्म की हो उसको कहते हैं पीमियंतो. पीमियंतो. और बाद में हम इनके कलर्स के हिसाब से कह सकते हैं पीमियंतो रोहो, पीमियंतो अमारियो या पीमियंतो वेर्दे. लेकिन अगर हमने ये जो सब्ज मिर्च होती है कड़वी इसका नाम लेना है तो इसको हम कहते हैं गिंदिया. गिंदिया. धनिया. धनिए को कहते हैं सीलांत्रो. सीलांत्रो. पुदीना. येरबा बुएना. येरबा बुएना. खीरा. पेपीनो. पेपीनो. बैंगन. बेरेंजेना. 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 लहसुन. आखो. आखो. पालक. एस्पिनाकास. एस्पिनाकास. लीमू. लिमोन.
लिमोन, प्याज, सेबोया, सेबोया, तोरी या काली तोरी, इसको कहते हैं काला बासीन, काला बासीन, भिंडी, ओकरा, ओकरा, जैतून, aceitunas, aceitunas, muli, nabo, nabo, tomater, tomate, tomate, alu, patata, patata, chikandar, remolacha, 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 shakarkandi, batata, 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 matar, guisantes, guisantes, sonf, hinojo, hinojo, petha kaddu, calabaza, calabaza, methi, hojas de fenogreco, hojas de fenogreco. ये जो सलाद के पत्ते हैं इनको कहते हैं लेचुगा, लेचुगा, मकई, माइस, माइस, अदरक, जेंजिब्रे, जेंजिब्रे, ये बहुत जगहों पे आपको जी के साथ भी मिल जाएगा, अगर यहाँ पे हम जे के बजाय जी भी लिखते हैं तो फिर भी आवाज इसकी वही होगी, जेंजिब्रे, अदरक। ये जो सब्ज फलियां होती हैं इनको कहते हैं जूडियास वर्डेस, जूडियास वर्डेस। साथ सिया, सिया, कुर्सी, रेपोसापीएस, reposapiés, footrest, estantería, estantería, kitabu vali almari, alfombra, alfombra, kalin, cofre, cofre, sanduk, cajones, cajones, drás, mesa redonda, mesa, mes ko kehte hain redonda, gol, gol mes, mesa redonda, sofá, sofá, sofá rinconera, sofá rinconera, कोने वाला सोफा। ये जो पिक्चर में हमें नजर आ रहा है जो इस तरह का होता है, जो कोने में इस तरह से रखा जाता है, उसको कहते हैं सोफा रिंकोनेरा। एस्पेजो दे पारेद, एस्पेजो कहते हैं आईने को, दे पारेद दीवार वाला, दीवार वाला आईना, एस्पेजो दे पारेद। लंपारा, लंपारा, लैंप, मेसेदोरा, मेसेदोरा, झूलने वाली जो कुर्सी होती है जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं मेसेदोरा। सियोन, सियोन, ये जो इस तरह की कुर्सी होती है जिसके ऊपर ये सोफा टाइप की कोलचोन वगैरह पड़ा होता है इसको कहते हैं
sillón. Estante, estante, shelf. Taburete, taburete, stool. Escritorio, escritorio, computer wala mez. Mesa, mesa, mez. Mesa de comedor, mesa de comedor. Ye jo khane wala jo dining table hota hai isko kehte hain. Mesa de comedor. Armario, armario, almari. Armario ropero, armario ropero, kapdon wali almari. Armario puertas batientes, armario almari puertas darwaze. Batientes, batientes ka matlab hota hai ye jo piche ki janib khulte hain. To jo is tarah ki almari hoti hai jiske aapne jo darwaze hote hain uske piche ki janib kholne hote hain usko kehte hain armario puertas batientes. Aur ye jo almari hoti hai jiske jo sliding darwaze hote hain isko kehte hain armario puertas corredoras. Armario puertas corredoras. Armario empotrado. Armario empotrado. Fitted almari jo hoti hai deewar mein usko kehte hain armario empotrado. Cuna. Ye jo chote bacche ka bed hota hai isko kehte hain cuna. Cama. Palang ko bed ko kehte hain cama. Cama de matrimonio. Cama de matrimonio, double bed. Cama individual, single bed. Litera, litera, ये जो ऊपर नीचे बेड लगे होते हैं इस तरह से जैसा पिक्चर में आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं litera. Cabecera, cabecera, ये जो headboard होता है bed का इसको कहते हैं cabecera. Somier, somier, bed की ये जो जगह होती है जिस पे mattress रखा जाता है इसको कहते हैं somier, somier. अब कुछ ही bed इस तरह के रह गए हैं बाकी पहले तकरीबन सारे जो हैं ये somier वाले ही होते थे. Canapé, कनापे, ये जो बेड होता है जिसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है और उसके दरमियान आप सामान अपना जो महफूज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं तो इस सारी चीज को कहते हैं कनापे. बेड का ये हिस्सा कनापे और पीछे जो हेडबोर्ड होता है उसको कहते हैं काबेसेरा और इस हिस्से को कहते हैं कनापे. कोलचोन, कोलचोन, मैट्रेस. La mesita de noche. La mesita de noche. ये जो बेड के साथ छोटा सा स्टैंड होता है नाइट स्टैंड इसको कहते हैं la mesita de noche. Long. Long को स्पैनिश में कहते हैं clavos de olor. Clavos de olor. Azafrán. 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 Sabat dania, semillas de cilantro, semillas de cilantro. Pisa hua dania, ya dania powder. Cilantro en polvo, cilantro en polvo. Laichi, cardamomo, cardamomo. Namak, sal, sal. Lesson, ajo, ajo. Adrak,
Jengibre, jengibre. Podina, hierbabuena. Ya menta bisco que tiene. Hierbabuena, menta. Haldi, cúrcuma, cúrcuma. Mirch, pimienta, pimienta. Kali mirch, pimienta negra, pimienta negra. Piaz, cebolla, cebolla. Imli, tamarindo, tamarindo. Kaju, anacardo, anacardo. Arquegulab, agua de rosas, agua de rosas. Radania, cilantro verde, cilantro verde. Sirka, vinagre, vinagre. Anardana, semillas de granada, granada que tiene arco, semillas que tiene koi bhi cheez jo hai na wo danedar ho to usko kehte hain semillas, matlab uske beej. To anar dana ko kehte hain semillas de granada. Alsi, semillas de lino, semillas de lino. Sarsun ka tel, aceite de mostaza, aceite de mostaza. Sonf, semillas de hinojo, semillas de hinojo. Ya anís, anís. Zira, ye samajh le, sabat zira ki baat ho rahi hai, to yahan pe isko kahenge semillas de comino, semillas de comino. Zetún ka tel, aceite de oliva, aceite de oliva. Til, ye jo til lo tienen ko kehte hain semillas de sésamo, semillas de sésamo. Kalvanji, semillas de nigella, semillas de nigella. Or comino negro bisco que tiene, comino negro y a semillas de nigella. Tezpata, isco que tiene hojas de laurel, hojas de laurel. Motielachi, cardamomo negro, cardamomo negro. Jobani, jobani ko spanish me kehte hain albaricoque, albaricoque. Kela, ye jo size me lamba hota aur bilkul iski jo upar wali jild hoti hai ye bilkul saaf hoti hai, isko kehte hain banana, banana. और ये जो दूसरे वाला होता है जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर के निशान भी होते हैं और बनाना के मुकाबले में छोटा होता है और ज्यादा मीठा भी होता है, इसको कहते हैं प्लातानो, प्लातानो. नारियल, कोको, कोको. सेब, मंजाना, manzana. Khajur, dátil, dátil. Ananas, piña, piña. Aru, melocotón, melocotón. Malta, ये जो जूस वाला होता है इसको कहते हैं नारंगा,
नारंगा। और ये जो संतरा, ये जो खाने वाला होता है, इसको कहते हैं मांदारीना, मांदारीना। खरबूजा मेलोन, मेलोन। लुकाच निस्पेरो, निस्पेरो। आम मांगो, मांगो। अंजीर ईगो, ईगो। अंगूर उबा, उबा। मूंगफली काकाउएटेस, काकाउएटेस। लीमू लिमोन, लिमोन। आलू बुखारा सिरुएला, सिरुएला। अखरोट नुएस, नुएस। तरबूज सांदिया, सांदिया। अनार ग्रानादा, ग्रानादा। अमरूद गुआवा, गुआवा। नाशपाती पेरा, पेरा। इमली तामारिंदो, तामारिंदो। स्ट्रॉबेरी फ्रेसा, फ्रेसा। कीवी, कीवी को कीवी ही कहते हैं स्पैनिश में भी, कीवी। चेरी सेरेसा, सेरेसा। बादाम अलमेंड्रास, अलमेंड्रास। काजू अनाकार्डोस, अनाकार्डोस। चलगोजा पिन्योन, पिन्योन। जैतून अज़ैतूनास, अज़ैतूनास। मैकियाजे, मैकियाजे कहते हैं मेकअप को जनरली बात करते हुए, जब हम मेकअप की बात करना चाह रहे हैं तो कहते हैं मैकियाजे। एस्माल्टे दे उन्यास, एस्माल्टे दे उन्यास, नाखून पॉलिश। कीता एस्माल्टे, अगर पिछला लफ्ज एस्माल्टे था तो यहाँ पे कीता एस्माल्टे, नाखून पॉलिश हटाने वाला जो, हटाने वाली जो चीज होती है उसको कहते हैं कीता एस्माल्टे। क्रेमा पारा ला कारा, क्रेमा कहते हैं क्रीम को, पारा ला कारा चेहरे के लिए, तो चेहरे के लिए जो क्रीम होती है उसको कहते हैं क्रेमा पारा ला कारा। डेलिनियाडोर दे ओखोस, ये आई लाइनर होता है, इसको कहते हैं डेलिनियाडोर दे ओखोस। लापिस डेलिनियाडोर दे ओखोस, आई लाइनर पेंसिल जो होती है उसको कहते हैं लापिस डेलिनियाडोर। डेलिनियाडोर दे जेल, आई लाइनर जेल वाला जो होता है उसको कहते हैं डेलिनियाडोर दे जेल। रिमेल मस्कारा, ला बासे दे मैकियाजे फाउंडेशन या जो बेस होता है इसको कहते हैं ला बासे दे मैकियाजे। ला पुरपुरीना कहते हैं, ये जो चीज आपको पिक्चर में नजर आ रही है इसको कहते हैं ला पुरपुरीना। परफिलाडोर दे लाबियोस, लिप लाइनर, परफिलाडोर दे लाबियोस। ब्रियो लाबियाल, लिप ग्लॉस, ब्रियो लाबियाल। पिंतालाबियोस, लिपस्टिक को कहते हैं पिंतालाबियोस। ब्रोचा दे मैकियाजे, मेकअप ब्रश, ब्रोचा दे मैकियाजे।
Prebase de maquillaje, makeup base, prebase de maquillaje. Yo sabse pehle jo powder laga jata hai usko kehte hain prebase de maquillaje. Lápiz de cejas, lápiz de cejas. Ye jo pencil aapko nazar aa rahi hai jism ke is hisse ke liye isko kehte hain lápiz de cejas. Pestañas postizas, ye jo masnui palki hoti hain inko kehte hain pestañas postizas. Perfume, perfume ko khushbu ko kehte hain ya colonia bhi perfume ya khushbu. Horquilla de pelo, ye jo balon ka clip hota hai ya ye jo sui type hoti hai isko kehte hain horquilla de pelo. Imperdible, baksua, imperdible. Corona, taj. Anillo, anguthi. Anillo de diamantes, hireki anguthi. Anillo de diamantes. Anillo de oro, soneki anguthi. Anillo de oro. Anillo de plata, chandiki anguthi. Anillo de compromiso, mangniki anguthi. Anillo de boda, shadiki anguthi. Relicario, locket, relicario. Pulsera, bracelet. Ajorca para el tobillo, pazeb y apael. Ajorca para el tobillo. Collar, sangli, chain, collar. Pendientes, balia. Uno, ek. Dos, do. Tres, tin. Cuatro, char. Cinco, punch. Seis, che. Siete, sat. Ocho, art. Nueve, no. Diez, das. Once, guiara. Doce, bara. Trece, tera. Catorce, choda. Quince, pandra. Dieciséis, sola. Diecisiete, satra. Dieciocho, atara. Diecinueve, unis. Veinte, bis. Veinte, venite nahi. Veinte, bis. Veintiuno, ikis. Veintidós, bais. Veintitrés, teis. Veinticuatro, chobis. 25, pachis. 26, chabis. 27, satais. 28, atais. 29, untis. 30, tis. 31, ikatis. 32, batis. 33, tentis. 34, chontis. 35, pentis. 36, chatis. 37, centis. 38, artis. 39, untalis. 40, chalis. 41, ictalis. 42, bialis. 43, tentalis. 44, chevalis. 45, pentalis. 46, chitalis. 47, centalis. 48, artalis. 49, unchas. 50, pachas. 51, ikiaban. 52, baban.
53, trepan, 54, chavan, 55, pachpan, 56, chapan, 57, sataban, 58, athaban, 59, unsat, 60, sat, 61, iksat, 62, basat, 63, tresat, 64, chonsat, 65, pensat, 66, chiasat, 67, sarsat, 68, arsat, 69, unhattar, 70, sattar, 71, ikattar, 72, bahattar, 73, tehattar, 74, chohattar, 75, pachattar, 76, chohattar, 77, stattar, 78, atattar, 79, unasi, 80, asi, 81, ikiasi, 82, beasi, 83, trasi, 84, chorasi, 85, pachasi, 86, chiasi, 87, stasi, 88, atasi, 89, navasi, 90, nave, 91, ikianme, 92, banme, 93, taranme, 94, choranme, 95, pachanme, 96, chianme, 97, satanme, 98, athanme, 99, nananme, 100, so, 110, exodas, 150, exopechas, 200, doso, 220, doso bis, 290, doso nove, 500, panch so, 560, pancho sat, 1000, hazar, 1100, gyaraso, 1500, pandraso, 10,000, das hazar, 10,100, das hazar exo, 10,090, das hazar nabbe, 100,000, ek lakh, 100,000, 150,000, ek lakh, pachas hazar, 500,000, 5 lakh, 1,000,000, 10 lakh, 10 millones, 1 crore, 100 millones, 10 crore, 1,000,000,000, 1 arab,